सा पाकिस्तान, अ चांस टू पुश योर लिमिट्स, द स्क्वाड्स आर रेडी टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, इट्स आवर चांस टू रीच द बिगेस्ट. It's time to enter the dawn of new champions. Let the action begin. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के. मैं हूं आपका मेजबान आदि और वंस अगेन वेलकम बैक टू PMPL पाकिस्तान स्प्रिंग 2022. लेकिन इस दफा ग्रैंड फिनाले के साथ हाजिर हुए हैं. 5 मैचेस आज के दिन खेले जाएंगे. बहुत चीज़ें दाव पर रहने वाली हैं. एक तरफ 1,74,00,000 रुपए का प्राइस पूल, दूसरी तरफ क्वालिफिकेशन इनटू साउथ एशिया मीना चैम्पियनशिप. 3 से 4 टीम्स जो है वो क्वालिफाई करेंगी. लेकिन आगे बढ़ने से पहले ओप्पो के ताबुन का शुक्रिया अदा करेंगे. थैंक यू सो मच ओप्पो. F21 Pro लॉन्च हो चुका 3 दिन पहले. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस दोहरा ली होंगी, इनफैक्ट रट ली होंगी जितना मैंने जोर लगाया इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन पे. लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो इस फोन को टोटली स्टैंड आउट करती है. देखिए, जब जिसने बनाया था उसने भी नहीं सोचा था कि इसको इतना ज्यादा पॉपुलर कर सकते हैं. दोस्तों, काला रंग इस फोन का जो है वो ब्लैक कलर ऑफ दिस फोन, इट्स अमेजिंग. अटायर है इंस्पायर्ड बाय ओप्पो. बिल्कुल. लेकिन दोस्तों, आज के दिन की बात करते हैं. एक ऐसा इंपॉर्टेंट डे है, एक ऐसा खास दिन है जहां पर डिसाइड हो सकता है कि कौन सी वो टीम्स हैं जो कि टॉप के लिए अपनी जंग जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है. लेकिन जहां पर हम इस दिन की स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ सरप्राइजेज भी यहाँ मौजूद हैं. सरप्राइजेज की जहां पर अल्लाह ने दिन में बात की है, लेकिन सरप्राइज पर जाने से पहले मैं कुछ अपने ख्याल आपसे शेयर करना चाहता हूँ. अच्छा, कुछ दिनों से जी बिल्कुल कुछ दिनों से एक गाना जो है वो मेरे दिमाग में फंस चुका है. मैं सोता हूँ, जागता हूँ, वो गाना जो है वो रिपीट पे लग जाता है मेरे दिमाग में. 12 साल है गाने का नाम और लगभग 7-8 साल हो चुके हैं इस गाने को आए हुए को, लेकिन अभी तक अमर है ये गाना. और जिस शख्स ने इस गाने को गाया, बहुत ज़बरदस्त एल्बम्स हैं उनके खाते. ये इस गाने का आप हमें क्यों बता रहे हैं? इस गाने का मैं आपको बताता हूँ, लेट्स गेट टू दैट. लेकिन उससे पहले मैं उस शख्स का तारुफ करवाना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 1/2 सेंचुरी हो चुकी है उनके गानों की. 50+ songs वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वोकल्स दैट वी हैव राइट नाउ करेंटली, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. बिलाल सईद आज के दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे. लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, दास्तान आगे भी सुनाई जाएगी. मज़ीद 2 मेहमान आज के दिन हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये सरप्राइज रिवील मैं नहीं करूंगा. एहसन अलादीन, ओवर टू यू. मुझे लग रहा था शायद सरप्राइज मेरे पास है और मैं भी कुछ लेके आया था. ओके, होल्ड ऑन, सरप्राइज मेरे पास भी मौजूद है. ओके, सो बात की बेस्ट वोकल्स की, सो वी हैव अनदर बेस्ट वोकलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है. और सबसे पहले मैं बात करूंगा, लक्स स्टाइल अवार्ड जीत चुकी है बेस्ट प्लेबैक सिंगर का, उसके बाद चुकी है और तमगा फखरे इम्तियाज जो है वो भी जीत चुकी है. ये सारे टाइटल जो है मैं समझ गया, अब मैं समझ गया. मुझे लग रहा था मेरा सरप्राइज सबसे अच्छा था यार, ये गलत बात है. ऑब्वियसली आपका सरप्राइज बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक और सरप्राइज के साथ उसको टॉप अप कर देते हैं. दोस्तों, आज के दिन हमें ज्वाइन करेंगी आयमा बेग और आपकी हमारी हम सब की फेवरेट गेम हमारे साथ खेलती हुई जाएगी. लेकिन आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करके आए हुए और अनफॉर्चुनेटली मैं तैयारी नहीं करके आया. लेकिन दोस्तों, मैं पर्चियां लेके आया हूँ, परेशान नहीं होना आप लोगों ने. सो एक्ट्रेस की बात करें आप, सिंगर की बात करें आप लोग, तो क्यों ना हम एक्ट्रेस से मिलवाते हैं आपको, किसी स्टार से मिलवाते हैं, किसी सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं जो कि नॉमिनेट हुई बेस्ट एक्ट्रेस के लिए. दिल मोम का दिया ड्रामा इन्होंने जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ जो उसने किरदार निभाया. उसके बाद इनकी डेब्यूट फिल्म की अगर मैं बात करूं, छुपन छुपाई, और उसके बाद रॉन्ग नंबर 2 में ये फिर से आई. मूवीज जो है वो इनकी तरफ से काफ़ी सारी की जाती हैं. उसके बाद एक और चीज़ अभी, टोटल 63 ड्रामास और टेलीफिल्म्स में अभी तक वो काम कर चुकी हैं. टोटल 63 ड्रामास और टेलीफिल्म्स में वो काम कर चुकी हैं. और अब मुझे पता लग रहा है आप किनकी बात कर. और अभी अभी जरा इनके लिए एक शेर भी जरा हम थोड़ा सा, अगर आप लोग इजाजत है. बताया नहीं तुमने कि तुम शेर तैयार कर रहे हो. देखिए, मैं तैयारी करके नहीं आया, लेकिन फिर भी इरशाद, उनकी बातों में है एक अलग सी मिठास. उनकी बातों में है एक अलग सी मिठास, उनके लहजे की है एक निराली तासीर. अभी तक कोई लॉजिक नहीं बनी, लेकिन अभी सुने. उनकी बातों में है एक अलग सी मिठास, उनके लहजे में है एक निराली तासीर.
पत्थरों में तो महंगा है नीलम बहुत. ओके पत्थरों में तो महंगा है नीलम बहुत, पर जो अनमोल है वो है नीलम मुनीर. क्या बात है और ये आप अभी कह रहे हैं कि आप बिहार के साथ नहीं हैं तो ये मैं कह रहा था आपको हो ही नहीं सकता कि अलादीन तैयारी करके ना आए और इतनी अच्छी तैयारी. मुझे लग रहा है आप सारे पर्चे आज पास करने वाले. बिल्कुल, शेर तो अलादीन ने सुना ही दिया लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती. ये जो गेस्ट हैं हमारे, सिर्फ हम इनसे बात नहीं करेंगे बल्कि इनसे जलवा घर होते हुए भी देखेंगे हमारी फेवरेट गेम और आपकी फेवरेट गेम ये खेलते हुए भी नजर आएंगे. एंड गेस व्हाट, अलादीन एक दूसरे के अगेंस्ट ये लोग उतरेंगे. मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पबजी मोबाइल में आयमा बेग को हम खेलता हुआ देखेंगे, बलाल सईद यहाँ खेलेंगे, मुकाबला होगा इनका. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इनका गाना सुना था मुझे तब से इनके इरादे बड़े खतरनाक लग रहे थे और बिलाल सईद और आयमा बेग ने जो गाना गाया और आयमा ने खास तौर पर मुझे रैप किया, मुझे तो लग रहा आज तबाही होने वाली है. आज तबाही होने वाली है बिल्कुल. और आयमा बेग के साथ पेयर किया गया है सॉल्ट एक्स आई 8 के एक बेहतरीन खिलाड़ी और उनको टाइटल भी दे दिया जा चुका है द गाय फ्रॉम द हॉलीवुड सॉल्ट एक्स आई 8 रिव्यूज. रिव्यूज से ज़्यादा जो है उनको इन एक्शन आयमा बेग के साथ देखते हुए हम एक्साइटेड है बिकॉज ये जब कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन बनने वाला है आई बिलीव खैर नहीं है किसी की आज. मुझे अभी से आयमा ओवर पावर्ड लग रही हैं बिकॉज उनके पास जो प्लेयर मौजूद है फंटास्टिक. लेकिन वहीं पर क्यों आ रहा है, क्योंकि बात कहते हैं यार एक और शानदार नाम, एक नया नाम हमारे सामने जलवागर होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यहाँ देखते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन इनका बैठता है. बिल्कुल, और स्टार के गॉड फ्यूरी भी खेलते हुए जलवागर होते हुए नजर आएंगे. नीलम के साथ उनका पेयर जो है वो बना है और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आती है. लेकिन बातें बहुत हो चुकी हैं गाइस, बातें बहुत हो चुकी हैं. मिलते हैं अपने गेस्ट से और थैंक यू सो मच गाइस, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया. वेलकम हेयर. सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगा बिलाल का. बिलाल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर. और जहाँ पर आप सिंगर तो बहुत ज़बरदस्त हैं और आपने हर छोड़ दिया अपनी आवाज़ से, तो ये गेमिंग का जो रियल है, गेमिंग की दुनिया में आपने अब अपने कदम जमा लिए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आपके फीलिंग्स क्या हैं आप? Well, thank you very much for having me here. Singing भी मैं अभी तक figure out ही कर रहा हूँ कि कैसे करनी है. तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ थोड़ा सा you know कुछ fun भी हो जाए. So I'm really enjoying being here, to be honest. बिल्कुल बिल्कुल. और over to you guys, आप दोनों अपने guest से जरूर करिए सवाल और stage आपके हवाले करूंगा मैं. मैं तो आयमा से पूछना चाहूंगा कि आयमा कैसा लगा आपका एसन का वेलकम. इन्होंने तो मैं कहता हूँ आज सारे अवार्ड जितने भी थे आपके वो सब दोहरा के आए हुए थे, आज सारी तैयारी करके आए हुए थे. और मेरा नहीं ख्याल कि इनके वेलकम के बाद हमें याद रहा है कि हम जो है वो कुछ तैयारी करके आए हुए थे, अपनी सारा कुछ ही भूल गए. तो कैसा लगा आपको और यहाँ आके आपको गेमिंग की दुनिया में आके फिर से वही सवाल जो आदि ने किया बिलाल से, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका इंट्रोडक्शन बहुत अमेजिंग था और मुझे कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं याद थी कि मैंने जीती हुई है, सो थैंक्स टू यू फॉर दैट. ठीक है, और गेमिंग की दुनिया में आके काफ़ी चैलेंजिंग है. यहाँ पे आपको आके पता लगता है अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, यू नो, और एनजाइटी क्या होती है. सो मेरी तो स्ट्रेस और एनजाइटी फुल ऊपर चली जाती है व्हेन आई एम लाइक प्लेइंग एंड व्हाटएवर. बट थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली टू बी विद these two over here, Bilal and Neelam. क्योंकि बिलाल से तो मैं चले अभी मिली थी, but it's been a while since Neelam से मैं जो मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया. बट मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे जो मेरा पहला अवार्ड मिला था वो नीलम के ही ऊपर एक गाने गाना पिक्चराइज हुआ था उस पर मिला था. तो नीलम गाना तो गाने वाला. इसका मतलब है तुम दोनों को हरा के मुझे बहुत मजा आने वाला है. हेलो ओ बॉय, ना ना ना, हमें बहुत मजा आएगा. बिल्कुल, बैटल ग्राउंड जो है दोस्तों वो हीट अप हो चुका है. बात करूंगा यहाँ पर मैं नीलम से. अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नीलम. एक बहुत ही बेहतरीन शेर, मुझे तो ये मेरा जो दोस्त है बहुत ही छुपा रुस्तम है और जितनी प्यारी ये शायरी लिखता है. Just share your thoughts. कैसा लगा आपको शेर उनका और कैसी लगी आपको उनकी तैयारी? बड़ा ही जबरदस्त. मुझे लोगों ने बड़ी शायरी सुनाई है मगर इनकी शायरी वाकई बहुत डिफरेंट थी, मजा आया सुनके. थैंक्स, याद किया, यही बहुत बड़ी बात है. और सही बोल लिया, ये उससे भी बड़ी बात है. ये आपको ना वो मिल जाएगा फ्रेम होके, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी. लेकिन आपको वॉइस पैक आया, एक इतना शानदार वॉइस पैक आपने जो है वो पबजी मोबाइल के साथ कलाबोरेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस किया, कैसा लग रहा है अब आपको खुद देख के, खुद को अपने आप को जो वो अपनी फेवरेट गेम के अंदर देख कर, अपनी आवाज़ सुनकर?
बहुत ज़्यादा वेट किया कि कब आएगी कब आएगी. मेरे नेफ्यूज़ घर वालों को पता था, सब पूछते थे कि नीलम कब होगा ये, कब आएगा. और फिर उसके लिए आपको पता है कि 15 मैचेस आपको जीतने थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने अब तक ऐसा एसएच पश्तो पश्तो कुछ भी नहीं किया था. हाँ, एक मूवी की थी मैंने रॉन्ग नंबर 2 जिसमें एक पठान आदमी एक पॉलिटिशियन की बेटी का कैरेक्टर मैंने किया था, तो उसमें कहीं कहीं पश्तो बोली थी. तो ऑडियंसेस काफ़ी अर्से से वेट कर रही थी क्योंकि मैंने जितना भी काम किया, आपको पता है कि वो टेलीविजन के लिए किया, मूवीज़ के लिए किया, उसमें उर्दू ही बोलते हैं. तो जो मेरे फैंस हैं उनसे कभी इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन का मौका नहीं मिला कि मैं पश्तो बोल सकूं, क्योंकि मैं जहां भी होती हूं तो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं. तो पबजी एम ने ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर दिया. पाकिस्तान में तो बहुत हिट है, लोग बहुत इन्जॉय करें और बहुत खुश हैं. चलें, बहुत हो गई बातें दोस्तों. अब जो है वो हम जाएंगे सीधा एक मुकाबले की तरफ. बिलाल और आयमा का यहाँ पर जब मुकाबला होगा, दोनों की यहाँ पर लड़ाई करवाई जाएगी, लेकिन ये लड़ाई रियल में नहीं होने वाली दोस्तों, ये टीडीएम में खेला जाएगा. बिलाल, एक सेकंड, यहाँ पर ट्विस्ट है. जो हारेगा रिपीट, उसको गाना गाना पड़ेगा. सो आर यू गाइस अप फॉर दिस? बिलाल एंड आयमा. बिलाल अपना गला, वैसे नॉर्मली तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाते हुए, लेकिन पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी. बट आई विल स्टिल ट्राई कि मुझे ना गाना पड़े. आई एम गोना मेक श्योर मुझे ना गाना पड़े और आयमा ही गाए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स शी इज द लीड. सो लेट्स सी. इसकी खराब हुई है क्योंकि इसको 3 दिन पहले पता लगा था कि हमने इस तरह लाइव टूर्नामेंट करना है, तो 3 दिन पहले अपनी तबीयत. ओके, सही है. तो बिलाल जो है वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये मैच वो जीतने वाले हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन मैच जीतता है और कौन हारता है. लेकिन गाना हारने वाले को गाना ही पड़ेगा, ऐसे हम जाने नहीं देने वाले. आखिरी अल्फाज, कोई मैसेज आपका जो चैलेंजर है उसको क्या कहना चाहेंगे? हम बिलाल को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ओ बॉय डोंट क्राई, यू नो. ओके, मेरा मैसेज ये है कि मुंडा जी सीना में बॉय मतलब मार दे मैं पूछता नहीं वहा है टेलीस्कोप में चे होया जेड़ा फोकस हेडशॉट ए निशाना एड़ा चोकस सी इन द गेम. किस तरह से दोनों ही हमारे सेलिब्रिटीज है वो आपस में टाकरा, इनका जो है वो इनकी जो मतभेद है किस तरह से हमारे सामने बनती है, और कौन होता है सिकंदर और कौन हराता है दूसरे को और गाना गाता है हमारे सामने. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग. मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है. चैलेंज तो बहुत ज़बरदस्त दे दिया है दोनों ही आर्टिस्ट ने, लेकिन उससे पहले ज़रा हम स्केड्यूल देख लेते हैं. और इनका चैलेंज सुनकर मेरी जो है वो हालत ख़राब हो रही है कि पता नहीं क्या होता है मैदानी जंग में. मैच स्केड्यूल आ चुका है. पहला मैच टीडीएम का होगा, ए वर्सेस बी, बिलाल वर्सेस आयमा. और वक्त का तकाजा रहेगा कि जो हारेगा उसको गाना गाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे. दूसरा मैच भी आएगा जो आयमा वर्सेस नीलम होगा, जो आखिरी तीसरा मैच होगा वो बिलाल वर्सेस नीलम होगा. एंड एक और सरप्राइज है जिसके अंदर ये सब खेलते हुए नजर आएंगे, और हमारे प्रो प्लेयर्स QRIQ, गॉड फ्यूरी और रिव्यूज भी उतरते हुए इनके साथ नजर आएंगे. लिविक का वो मैच होगा. सो अभी बहुत सा फन बाकी है गाइज, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैच थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा. अभी तो PMPL के मैचेस भी स्टार्ट होने हैं, लेकिन दोस्तों उन मैचेस से पहले हम जाएंगे कैसे एक्शन की तरफ जो कि यहाँ चार चांद लगाने वाला है. और चलते हैं इन सितारों के इस मैच की तरफ जहाँ पर चार चांद लगाते हुए सितारे नजर आएंगे हमें. yes. और बिलाल हमारे सामने मौजूद है. बिलाल सहित पबजी, लुक एट हिज आई चैन. Yes, in game name से बिल्कुल एक क्लियर कट मैसेज दे दिया जा चुका है ऑपोजिशन टीम को कि वो रेडी हैं जीतने के लिए, और अगली टीम को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी. लेकिन आयमा भी दूसरी तरफ रेडी, और विद दैट ग्रेट आउटफिट अपनी M4 की तरफ से लोड कर दी जा चुकी है. और फर्स्ट क्लैश, और हियर वी गो, बिलाल इज डाउन. लुक एट आयमा वेग, शी वाज राइट अबाउट, तेरी बातों से तो लगता है हाय. और ओ बॉय डोंट क्राई, बिकॉज उनकी तरफ से एक फ्रैग जनरेट किया जाता है. लुक एट आईक्यू, किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो है वो इस वक्त उनको एलिमिनेट किया जाता है. लेकिन आयमा बेग जिस तरह से रीलोड कर रही है, जिस तरह से टीपीपी ले रही है, दिस इज समथिंग अमेजिंग. आगे बढ़ते हुए फिर से जाएंगी, अंडा उनके सामने कोई नहीं आना चाह रहा, सब डर चुके हैं. वंस अगेन आयमा विद दोस 3 किल्स, और अभी मैच में सिर्फ 3 ही किल्स हुए हैं.
और मैच में तीन किल्स और तीनों के तीनों किल्स ज़ायमा के आईक्यू, दूसरी तरफ बहुत कोशिश करते हुए बिलाल की टीम से कि वो एक प्लेयर को गिराए, वन ऑन वन फाइट और व्यूज को डाउन किया जाता है आईक्यू की तरफ से, एक पहला किल दे दिया जा चुका है यहां पर। ट्रस्ट मी के साथ बिलाल अपना खाता खोलते हुए तरफ से भी यहां पर एक कारी वार किया जाता है, अनदर वन डाउन और हे वी गो, व्हाट ड्रॉप शॉट कमिंग फ्रॉम देयर साइड, क्या ही खूबसूरती के साथ रिव्यूज किल उठाते हैं। लेकिन आयमा बेग आगे बढ़ती हुई नजर आएंगे, हमें बिलाल सहित फिर से स्पॉट करेंगे, स्कोपिंग किया जाता है उनकी तरफ से, बट ही गेट्स स्पॉटेड, ही गेट्स आउट ऑफ द मैच। बहुत खूबसूरती के साथ यहां पर एक का और किल बटोरा जाता है, लेकिन आयमा बेग इंतजार कर रही है, टीपी भी ली जा रही है, जैसे ही सामने वाले प्लेयर बाहर आएंगे एडवांटेज लिया जाएगा टीपी का और फ्रैग्स उठाए जाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आईक्यू और रिव्यूज एक दूसरे का सामना करते हुए, लेकिन दूसरी तरफ आयमा बेग की तरफ से यहां पर कवर दिया जाएगा, आईक्यू वापस से कवर के अंदर जाते हुए, लेकिन बिलाल सईद फ्लैग के ऊपर जा चुके हैं, रिव्यूज को बैक स्टैब उनकी तरफ से किया जा सकता है, लेकिन आयमा वर्सेस बिलाल सईद, ओ माय गॉड, आयमा टेकिंग वन मोर डाउन, एक और प्लेयर को उनकी तरफ से डाउन किया जाएगा। लेट मी टेल यू फोर लाइन एक बड़ी बस की चला आता, मैं ढूंढ रहा था कब से कि नीलम की तरह। ओके इट्स नॉट अ मैच, आई एम रियली सॉरी गाइस, और मैं नीलम को ढूंढ रहा था, लेकिन आई एम अप बिग, शी इज डोमिनेटिंग द लॉबी राइट नाउ, 3-10 का स्कोर लाइन चल रहा है। बिलाल क्लियरली यहां जो है वो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, बिल्कुल मुश्किल में फंसे हुए, तैयारी उनको करनी पड़ेगी, या फिर मैच जीतना है या फिर एक खूबसूरत सा गाना उनको गाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन रिव्यूज वर्सेस बिलाल सईद, बिलाल सईद टेक डाउन करते हुए यहाँ पर रिव्यूज को, एक और प्लेयर को आयमा की तरफ से पिक ऑफ किया जा चुके हैं, 5 एलिमिनेशंस यहाँ पर क्लियर कट, आयमा अभी तक के लिए डोमिनेट करती हुई इस मैच के अंदर, बिलाल सईद एक दफा फिर से एक नए रंग के अंदर जाएंगे, सामने रिव्यूज नजर आएंगे, रिव्यूज को उनकी तरफ से टैग नहीं दिया जाता, बट वंस अगेन स्कोर लाइन इज 11-5। बिल्कुल 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 बिलाल सईद आपके सामने मौजूद, लेकिन यहाँ रिव्यूज ये फ्रैग बट हो जाते हैं और 5-12 हो चुका है, क्या 12 साल की तरह बिलाल यहाँ जाओ इस 12 को काफी ज्यादा डैमेज भी उनको पड़ता हुआ यहाँ पर QR IQ की तरफ से, लेकिन बिलाल उनकी नजरें जम चुकी है यहाँ पर, आयमा के ऊपर वापस जाएंगे, फॉलो अप दिया जाएगा, डैमेज पड़ता हुआ यहाँ पर, बिलाल इज वेरी लो ऑन एचपी, लेकिन आयमा से पहले रिव्यूज पिक ऑफ कर जाएंगे यहाँ पर बिलाल सईद को, और स्कोर लाइन 13-6 होता हुआ अभी तक के लिए 7 पॉइंट्स की लीड रहेगी, लेकिन रिव्यूज इस लीड को फर्दर बढ़ाते हुए 8 पॉइंट्स के ऊपर ले जाएंगे, बट आयमा शी इज नॉट स्लोइंग डाउन, एक और प्लेयर को उनकी तरफ से डाउन किया जाता है, बिलाल सईद दिस टाइम अराउंड विक्टिम होते हुए, लेकिन IQ, oh my God! इसी के साथ यहाँ पर रिव्यूज वर्सेस बिलाल सईद, बिलाल सईद टेकिंग डाउन रिव्यूज, स्कोर लाइन एक दफा फिर से क्लोज इन होती हुई 7 का डिफरेंस रह चुका है, लेकिन अभी तक के लिए आयमा की जो किल्स प्री है वो नहीं रुकती नजर आ रही, 5 किल्स उनके बैकपैक में है, 10 किल रिव्यूज के पास मौजूद है, लेकिन IQ वर्सेज रिव्यूज 1v1 फाइट इन दिस टाइम अराउंड, IQ इज लो इन एचपी, रिव्यूज एक दफा फिर से उनको जिगल फाइट देते हुए, लेकिन यहाँ पर प्लेयर को डाउन किया जाएगा, IQ on a very low HP reviews ko pick off kar lete hain, unse zyada aap tyar lag rahe hain mujhe, the way you are casting right now, it's something jo main nahi kar sakta, bachpan se seekh raha hu, lekin dosto bilal sahib kuch yahan par sikhana chahte hain, look at the comeback, kafi heavy comeback kiya jata hai unki taraf se, 15 points again jahan par bilal sahib phir se jaake cross liya jayega, lekin miss ho jate hain, and reviews is bar ek aur frag le jaate hain, bilal sahib pubg aage badhte hue रिस्पॉन होकर आते हैं, कहते हैं कि फिर से बदला लिया जाएगा तुमसे, फिर से बदला लिया जाएगा, और बिलाल एक दफा फिर से 4 एलिमिनेशन उनके बैकपैक में है, IQ दूसरी तरफ डाउन होते हैं, आयमा की तरफ से एक और किल कंफर्म कर दिया जाएगा, इट्स अ 2-1 सिचुएशन ऑन आयमा, एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें रिव्यू से एक और किल कंफर्म करते हुए, ड्रॉप शॉट्स बिल्कुल कोई आंसर नहीं है यहाँ पर बिलाल सईद के पास इन ड्रॉप शॉट्स का, लेकिन आयमा वंस अगेन गोइंग फॉर अनदर किल, दूसरी तरफ जो है बिलाल को उनकी तरफ से पिक ऑफ काफी ज्यादा लो ऑन एचपी किया जाता है, लेकिन IQ के साथ 1v1 फाइट के अंदर यहां पर आयमा लो ऑन एचपी स्टिल लेफ्ट राइट इस छोटे से कंटेनर के होते हुए, लेकिन आखिरकार IQ इनको पिक ऑफ कर ही लेते हैं, 12-19 का स्कोर लाइन चलता हुआ, 7 का डिफरेंस रहेगा, 7 पॉइंट्स का फर्क, लेकिन आयमा बिग किस प्रेज देखें आप यार, वो चाहती हैं कि वो आज इन दीवारों को गिरा दें इन गोलियों के साथ, वो छाड़ की जा रही है गोलियों की, काफ़ी शानदार स्कोप्स किए जाते हैं, लेकिन लग रहा आज उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, ट्रस्ट में आज लगता है इफ्तारी नहीं किया मैंने, और सारा गुस्सा यहाँ उतारा जा रहा है उनकी तरफ से,
बिल्कुल गुस्सा उतारा जाएगा, बैटल फील्ड आपकी एंग्जाइटी आपकी स्ट्रेस जो है उसको उतारने के लिए ही है। और इट्स गुड टू सी आयमा अभी तक के लिए 7 एलिमिनेशन जो है वो स्कोर कर चुकी है अपनी टीम के लिए। लेकिन रिव्यूज वर्सेस आईक्यू, वंस अगेन आईक्यू की तरफ से ड्रॉप शॉट कंफर्मेशन, वन मोर पॉइंट एडेड। लेकिन आयमा का दूसरी तरफ से जो स्प्रे जा रहा है पूरी तरह से एनाइलेट कर रहा है। आईक्यू की एचपी बहुत ही कम रहती हुई, लेकिन बिलाल ऑन द लेफ्ट फ्लैंक रेडी है टू टेक दैट फाइट। आयमा इज क्लूलेस, उनको नहीं पता कि बिलाल यहां पर मौजूद है। बिलाल की तरफ से डैमेज और बिलाल यहां पर एक और एलिमिनेशन कंफर्म करते हुए, और इसी के साथ स्कोर लाइन काफी क्लोज होती हुई सिर्फ 5 का डिफरेंस रह चुका है। सिर्फ 5 पॉइंट्स का डिफरेंस रह चुका है और बिलाल सईद के लिए ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन आयमा बिग फिर से प्री फायर्स देती हुई नजर आती है। आईक्यू राइट साइड सेंगल स्पॉट किया जाएगा, लेकिन आईक्यू वो खुद हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विद हिम। लेकिन आयमा बिग फिर से कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए बिलाल सईद बट में आ जाते हैं, बिट पर पुश करते हुए नजर आएंगे। सामने प्रोग्रेस स्पॉट किया जाएगा, रिव्यूज बिलाल सईद को कहते हैं कि अगर आप मौसीकी के किंग हैं तो हम पबजी के किंग हैं। बिल्कुल, लेकिन आयमा की तरफ से एक दफा फिर से कोशिश आई क्यू उनको पिक ऑफ करते हुए। 18-22 काफी क्लोज इन किया जा चुका है टीम बिलाल सईद की तरफ से, लेकिन बिलाल सईद आई बिलीव बिल्कुल भी यहां पर जो है वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है कि वो हारें इस मैच के अंदर। लेकिन एक दफा फिर से 1-on-1 फाइट, रिव्यूज आयमा बेग वर्सेज बिलाल सईद आमने सामना होता है। लेकिन रिव्यूज के साथ यहाँ पर 1v1 फाइट के अंदर बिलाल आते हुए, बिलाल इज लो ऑन एचपी, टेक डाउन किया जाता है, रिव्यूज इज ऑल्सो लो ऑन एचपी। लेकिन अगर यहाँ पर आई क्यू की तरफ से पुश किया जाता है तो किल कंफर्मेशन आ सकती है। 20-23 बहुत ही क्लोज स्कोर लाइन जाती हुई बिलाल की तरफ से एक अमेजिंग कमबैक आता हुआ वाला। बिल्कुल कमबैक किंग है बिलाल, वो ये बात साबित करते हैं कि आप पबजी किंग है तो फिर कमबैक किंग है। कहीं ना कहीं तो बात लेके जानी है दोस्तों। इट्स 21-23 जहां पर सिचुएशन जो है वो 3-10 की थी, फिर 5-15 उसको जो है वो 21-24 करना बिलाल से सीखे गई। लेकिन आईक्यू भी इस चीज़ में जब वो बहुत खूबसूरती के साथ लुक एट द नंबर ऑफ किल्स आईक्यू हैव 70 किल्स कर चुका है ये शहजादा। दूसरी तरफ बिलाल के पास 5 एलिमिनेशंस रहेंगी पूरी तरह से आईक्यू का साथ देते हुए, और अगेन शो कर रहे हैं कि उनका जो स्किल है वो भी उस लेवल का है कि प्रो प्लेयर्स को भी वो 1v1 बेहतरीन तरीके से एंगेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आयमा वर्सेस बिलाल जाते हैं, 1v1 फाइट ली जाती है, लोअर एचपी बिलाल को आयमा की तरफ से पिक ऑफ कर लिया जाएगा, और इसी के साथ स्कोर लाइन में 5 का डिफरेंस एक दफा फिर से बनता हुआ। बट दिस टाइम अराउंड बिलाल इज अगेन गोइंग फॉर दैट फाइट, पी किया जाता है आयमा की तरफ से, पिक ऑफ करेंगे, ड्रॉप शॉट, लो ऑन एचपी, पिक ऑफ कर लिया जाएगा। इमेजिन यहां एक रिफ्लेक्स पड़ जाता। ओके, यस, पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है, लेकिन रिव्यूज को यहाँ पर हेल्प चाहिए होगी। आईक्यू उनको कंफर्म कर देते हैं पिस्टल शॉट से। दूसरी तरफ बिलाल सईद क्वेश्चन करते हुए एक दफा फिर से आयमा एक और किल पिक ऑफ करती हुई यहाँ पर। आयमा बिल्कुल बख्शिश देने के मूड में नजर नहीं आ रही, और 11 एलिमिनेशन उनके बैक पैक में जाती हुई अलादिन। बिल्कुल सही, 11 एलिमिनेशन उनके बैक पैक में जाती हुई नजर आ रही। बिलाल सईद फिर से प्री फायर देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। 24-29 का पिछला स्कोर लाइन बन चुका है। क्यू आर आई क्यू गेट्स टेकन डाउन बाय रिव्यूज की तरफ से थोड़ा सा फ्यूज उड़ाया जाता है उनका, लेकिन बिलाल सईद रिकवरी के लिए इस वक्त आ जाते हैं, और फिलहाल हालात काफ़ी संजीदा होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आईक्यू एक और किल कंफर्म करते हुए, लेकिन लीड काफ़ी बढ़ चुकी है, 5 की लीड रहने वाली है, सिर्फ 10 और किल्स और गेम ओवर। टीम जीतती हुई हमें नजर आएगी कोई एक, लेकिन एक और किल कंफर्म टीम आयमा बे की तरफ से। रिव्यूज काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलते हुए आईक्यू के साथ 1v1 फाइट, और आईक्यू रिव्यूज को पिक ऑफ करते हुए इस 1v1 बैटल के अंदर। लेकिन आयमा यहाँ पर पुश करेगी लोन एचपी, आईक्यू हर तरफ कवर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जंप शॉट किया जाता है आयमा की तरफ से, लेकिन दिस टाइम अराउंड आईक्यू लोन एचपी, उनको यहाँ पर कैवलरी मिलनी चाहिए। लेकिन आईक्यू 1v2 करते हुए यहां पर एक और किल कंफर्म करेंगे, स्कोर लाइन को फर्दर स्किम डाउन किया जाएगा 28-31, एंड येट देयर इज अ लॉट टू सी ऑन दिस बैटल ग्राउंड। दोनों टीम्स की तरफ से कोशिश भरपूर की जा रही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज्यादा ताबड़तोड़ हमलों वाला जो है वो मैच होगा, इतना ज्यादा जो है वो बंदूकबाजी का इhtmam किया जाएगा सारे प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन आयमा वंस अगेन, आयमा तो यहां पर जबरदस्त खान सजा चुकी हैं गुलियों का, और The time is over and yes, time over. आयमा बेग जीत जाती हैं। आयमा बेग winning this match with a lead of 3 points and look at those kills. पूरी तरह से double number of kills यहाँ पर रहेगी आयमा के पास with respect to Bilal. 6 eliminations on the side of Bilal और 12 eliminations यहाँ पर आयमा की तरफ से की जा रही हैं। जो बात आयमा कर रही थी मुझे लग रहा है कि वो पहले से पता था, उन्हें तैयारी पक्की थी उनकी। बिलाल को उन्होंने जो है वो पहले चैलेंज दिया, उसके बाद जीत भी जाती हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्कोर जो है वो 3-0 होता हुआ, बिकॉज एक जीत आपको दोस्तों 3 पॉइंट्स देगी, अगर आप हार जाते हैं 0 पॉइंट्स, और अगर ड्रॉ हो जाता तो 1 पॉइंट। लेकिन आदि
इसी के साथ साथ बिलाल को दावत देते हैं और बिलाल से पूछेंगे कि कैसा रहा उनका ये मैच। काफी पसीने आ रहे थे बिलाल को बीच में, और बिलाल से गाना भी सुनेंगे। बिलाल, हाउ आर यू, क्या आपकी फीलिंग्स है इस मैच के बाद? वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। जस्ट आई वाज अ लिटिल डाउट टुडे, सो मुझे इतना सा एडवांटेज तो चले जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज 3 सी तो है, लेकिन चले, स्टिल विनर इज अ विनर एंड somehow मैं ये वाली गेम हार गया लेकिन अगली गेम मैं जीतूंगा। So what do I have to say? So yes, बिल्कुल आपको अपने फैंस के लिए जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपको जब गाना गाना होगा और हमारे कानों में जबरदस्त खोलना होगा। डन हो गया जी। So I'm gonna sing a song जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करेगा for the next game, ताकि मैं एनर्जी गेन करके कम बैक करूँ। So I'm gonna sing like, हो रांझे मजी अचरियां बारह साल डोली लगे पर खेड़े आके ना, फिर मेरे जे भी पूछे आ सवाल के सबा दस केड़ी गल्लो चली है तू चा, हाल मजनू दा होया बेहाल ओ ससी पुन्नू दी की देवा मैं मिसाल, ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे या पुराने इश्क वाले दा होया बुरा, या सुन लो परवाह इश्क बेपरवाह इश्क बेपरवाह जड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा, मैं क्या क्या बात है बिलाल, क्या बात है। और बहुत खुशी हुई कि आपने हमें ज्वाइन किया, और ये जो फ़न है ये बिलाल के बगैर अधूरा रहना था। इनफैक्ट जो हमारे तीनों के तीनों गेस्ट हैं उनके बगैर अधूरा रहना था। लेकिन बिलाल, अगले मैच में एक अभी दो मैचेस आपने मजीद खेले, एक नीलम के अगेंस्ट होगा और एक लिविक का मैप है जिस पे आप उतरेंगे, तो आर यू रेडी? दोनों को क्या चैलेंज करेंगे दोनों को? आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ। Since अब मुझे उनकी गेम पता चल गई है तो अब मैं उनको अपनी भी गेम दिखाऊंगा जो कि स्ट्रांग है, गेम स्ट्रांग है। क्या बात है, यस, आई एम गोना सी यू गाइस। अच्छा, गेम स्ट्रांग का आपने मेंशन किया ही है, तो इस गाने का एक्सपीरियंस कुछ हमारे साथ शेयर करिए, कोई लम्हात, क्योंकि ये ऐसा गाना है जिस पे आप मेरे ख्याल से किसी भी वक्त जैम कर सकते हैं, जैमिंग फुल ऑन जो है वो हो सकती है इस गाने पे, तो कुछ शेयर करिए यार। एक्चुअली ऑफ कोर्स आई हैव सीन प्लेइंग एवरीबॉडी पबजी अराउंड मी, एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत गेम खेलता हूँ, सो मुझे हमेशा से था कि यार यू नो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए दैट वी कुड क्रिएट समथिंग जो कि रिलेट कर पाए, तो लकीली मुझे मिला मौका कि मैं पबजी के लिए कोई सॉन्ग बनाऊँ। सो इट वॉज स्लाइटली चैलेंजिंग, लेकिन क्योंकि वो जो गेम का कॉन्सेप्ट है वो इतना ऑलरेडी देयर इज टू मच इन इट जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सो मैंने लिरिकली भी काफी सारी इंस्पिरेशन ली उससे, जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है मैंने लिरिक्स में। इसमें गाने के बोल आपके हैं? यस, आई रोट द सॉन्ग, ऑफ कोर्स आई एम अभी साथी, हमने मिलके ही लिखा, जबरदस्त, लेकिन ये कि हमने लिखते वक्त हमने ये ज़हन में रखा था कि ओके हाउ इतना कनेक्टिंग होना चाहिए, एट द सेम टाइम इट हैज टू बी वेरी एंटरटेनिंग कि आप वैसे भी जब गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं सो यू फील लाइक लिसनिंग टू इट, सो दिस इज द होल लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट बिलाल, ये गाना ऐसा है कि अगर कोई प्रो प्लेयर सुनता है, प्रो कास्टर सुनता है, कोई भी सुनता है, उसको यही फील आती है कि ये किसी खिलाड़ी ने लिखा होगा, गेम के खिलाड़ी ने लिखा होगा। रियल लाइफ में तो आप खिलाड़ी हैं, सिंगिंग में भी आप एक बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से पबजी मोबाइल में भी दोस्तों के बंदा आ गया आपके करियर जो है वो छीनने के लिए आपसे। सो आप लोग जब बिल्कुल तैयार हो जाएं, बिलाल सैद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस, आई होप आप नेक्स्ट मैचेस जीते और आप जो है वो सुरखरू होते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ बिलाल को हम सी ऑफ करेंगे, और अभी जो है वो कंपटीशन बाकी है, बहुत सारे मैचेस अभी बाकी हैं। फतेह हजरत, आपने एक बहुत शानदार मैच देखा जहां आयमा बेग और बिलाल सईद ने आपस में कंपटीशन लड़ा, लेकिन अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं आदि, और ये सरप्राइज आप ही बताएंगे। एग्जैक्टली, अगला मैच आयमा वर्सेस नीलम होने वाला है, और इनके प्रो जो ड्यूओज हैं वो भी इनके साथ मौजूद रहने वाले हैं इस मैच में, तो आइए देखते हैं इस मैच की बाजी कौन लेकर जाता है। लेट्स गो, आवाज आ चुकी है और टीम जो है वो हमारे साथ रेडी है, और अभी तक के लिए अगर आयमा की हम बात करें, यहाँ पर आयमा जो है वो पिछले मैच की जो उनकी अभी तक के लिए रीड थी, जिस तरह की उन्होंने गेम प्ले दिखाया, बेहतरीन गेम प्ले उनकी तरफ से देखने को मिला, लेकिन नीलम निकलती है साथ ही आते साथ एक प्लेयर को उनकी तरफ से डाउन किया जाता है। सो फर्स्ट किल गेटिंग फ्रॉम नीलम मुनीर,
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस. लुक एट द जिगल, जस्ट लुक एट द जिगल. लग रहा है कि गेम खेलती हैं. और स्टार के गॉड फ्यूरी फिलहाल अपने मुक्कों से थोड़े से जोश का इजहार भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किस तरफ प्लेयर मौजूद है. भागते हुए जा रहे हैं और अगले की बेस में घुस कर एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है. एंड देयर गोज द किल. आईए रिव्यूज इस मैच में जबरदस्त किल्स करते हुए नजर आ रहे हैं. 4-4v1 की सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पर. एंड द ब्लू टीम हैज 4 पॉइंट्स, द रेड टीम हैज 1 पॉइंट. नीलम मुनीर फिलहाल पीछे जा रही है और नीलम की तरफ से फिलहाल क्रॉस एयर प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त रह रही है और पीक फायर करती हुई नजर आ रही है. रिव्यूज लेकिन बहुत ध्यान से जज करते हैं इस पीक फायर को और हार्ड कवर में रहते हैं. लेकिन नीलम एक फ्लैंक एंगल के ऊपर जाती हुई रिव्यू एंगल से पिक ऑफ करने की कोशिश करते हैं. एंड स्टार के प्लेयर टेक डाउन करते हुए नजर आए टीम सॉल्टेक्स आईएट के रिव्यूज को. ओके, इसी के साथ नीलम को डाउन किया जाता है. माँ के बैक पैक में रिशोस में ही 3 किल आ चुके हैं. दूसरी तरफ अगर बात करें एक और प्लेयर को उनकी तरफ से अपनी स्कोप्स में लॉक किया जाता है, लेकिन Here we go, एक और प्लेयर डाउन. टीम आयमा बेग पूरी तरह से यहाँ पर ऑपोजिशन को थ्रैश करती हुई नजर आ रही है. लेकिन दूसरी तरफ नीलम की अगर बात करें, पहली एलिमिनेशन अभी तक उनकी तरफ से वेट किया जा रहा है. बेहतरीन स्कोप्स, बेहतरीन फाइट्स, लेकिन रिव्यूज को डाउन किया जाता है गॉड फ्यूरी की तरफ से. पहली कामयाबी यहाँ पर मिलने के काफी करीब थी नीलम को, लेकिन गॉड फ्यूरी एक और दफा आयमा बेग का सामना करते हुए एक और प्लेयर डाउन और स्कोर लाइन काफी क्लोज आती हुई 6-5 आदि. Exactly, और सामने एक तरफ प्लेयर मौजूद रहे, नीलम मौजूद रहने वाली काफी हद तक डैमेज करने की, आयमा को टेक डाउन करने में कामयाब रहती है. सॉल्टेक्स आईएट के रिव्यूज एक डिफरेंट एंगल से पिक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आयमा बैक एंड से रिस्पॉन होकर आ चुकी है. नीलम गेट्स टेकन डाउन. रिव्यूज नहीं बख्श रहे किसी को, लेकिन कम बैक करना पड़ेगा. अभी भी 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है. आयमा बैक टू बैक दूसरे मैच में भी लीड लेकर जा रही है. रिव्यूज को टेक डाउन करते दूसरे प्लेयर को 1v2 करने की कोशिश की जाती है. गॉड फ्यूरी इज हियर और पिस्टल पर शिफ्ट किया जाता है एंड ही टेक्स देम डाउन. रिस्पॉन होकर आ चुकी नीलम फुल into the match and just look at her. कैम में अगर आप देखें तो कितना ज्यादा शी इज इनटू द मैच और कोशिश की जा रही है कि फिलहाल अपनी लीड को बरकरार रखा जाए. 1 पॉइंट्स पर ये लीड आ चुकी है. 8v9 की सिचुएशन बन चुकी है. 7 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट रह चुके हैं इस मैच को खत्म होने में और टाकरा बिल्कुल बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है इसे. बिल्कुल मैच की इंटेंसिटी आप जहां पर देखें, आधी पूरी तरह से टीम्स एक दूसरे को बिल्कुल लीड देने की कोशिश में, लीड देने की तैयारी में ही नहीं नजर आ रही. 10-10 का स्कोर चलता हुआ. दूसरी तरफ स्टार गॉडफ्री की तरफ से स्कोप इन करते हुए सामने प्लेयर, उनकी तरफ से पीक नहीं किया जाता. आयमा अपनी स्पीक को होल्ड करती हुई बेहतरीन खेल उनकी तरफ से उसका मुजाहिरा किया जा रहा है. लेकिन आयमा बेग वंस अगेन रेडी फॉर अनदर 1v1 फाइट. एक दफा फिर से प्लेयर पीक, नीलम को डाउन किया जाता है. आयमा के पास 5 किल्स मौजूद रहने वाले, लेकिन क्या जबरदस्त जंप शॉट यहां पर. और टीम सॉल्टेक्स आईएट रिव्यूज यहां पर एक और किल कंफर्म करते हुए. बिल्कुल टीम आयमा अभी तक आगे रहने वाली है. 10 पॉइंट्स टीम नीलम के पास मौजूद रहने वाले. नीलम क्या यहाँ पर रिव्यूज को पिक ऑफ कर लेंगी. ओके, रिव्यूज को पिक ऑफ कर लिया जाता है. नीलम की तरफ से ढूंढा जा रहा है कवर, कोई हार्ड कवर. ओके, स्लाइड भी किया जा रहा है. नीलम नोज हाउ टू प्ले दिस गेम, लेकिन शी गेट्स टेकन डाउन. ओके, नीलम टेक्स डाउन आयमा. आयमा जो है वो नीलम के क्रॉस हेयर में आई जा रही है. आयमा ने पिछले मैच में बिलाल को चैलेंज किया था, लेकिन इस मैच में नीलम जो है वो छुपके छुपके से लीड जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है. 12-13 पर आ चुका है मामला. एक की लीड रहती है. नीलम लेकर जाएंगी एक किल और बैक एंड से आयमा को भी काफी हद तक लो एचपी कर दिया जाएगा. नीलम टेक्स अनदर किल. 6 किल्स कर चुकी हैं आयमा बेग और नीलम के किल्स भी हमें देखने पड़ेंगे. नीलम का आप बस स्कैम देखें, दैट्स ऑल, कि कितना वो इस गेम को जानती हैं और वो इट लुक्स लाइक कि वो खेल चुकी हैं पहले बहुत. बिल्कुल, और नीलम की इस गेम की तरफ इंटेंसिटी पूरी तरह से नजर आ रही है कि टीम नीलम इस मैच को जीतना चाहती है. लेकिन एक दफा फिर से स्कोर लाइन बराबर होती हुई 15-15 का स्कोर हो चुका है. आयमा के पास 6 किल्स मौजूद रहने वाले हैं और इसी तरह के कुछ किल्स हमें नीलम की साइड पर भी देखने को मिलेंगे. लेकिन एक दफा फिर से मिड वेयर हाउस यहाँ पर फाइट शुरू होती हुई. आयमा बेग एक हाइट एंगल लेने की कोशिश करती है, लेकिन नीलम के पास एक हाइट एंगल पहले से मौजूद है. गॉडफ्यूरी की तरफ से पिकऑफ किया जाता है. एक और प्लेयर को डाउन, आयमा टेक डाउन करती हुई, लेकिन एक कवर फायर नीलम की तरफ से आएगा और 1 पॉइंट की लीड रहने वाली है यहाँ पर टीम नीलम के पास. एंड दे आर येट अगेन रेडी टू टेक अ फाइट अगेंस्ट टीम आयमा बेग. रिव्यूज के ऊपर दोनों प्लेयर्स पुश करते हुए, रिव्यूज इज लोअर एचपी. रिव्यूज नीलम को टेक डाउन करेंगे. गॉड फ्यूरी को भी उनकी तरफ से ऑलमोस्ट पिक ऑफ किया जा चुका था कि इसी के दौरान गॉड फ्यूरी उनको पिक ऑफ कर लेते और आयमा बेग अनदर किल अपने लिए कंफर्म करती हुई. 18v18 की सिचुएशन हो चुकी है. 5 मिनट रह चुके हैं इस मैच को खत्म होने में और दोनों टीम्स एक दूसरे के शाना बशाना मौजूद रहने वाली हैं. क्रॉस एयर प्लेसमेंट जरा आप चेक करें दोनों टीम्स की कितनी जबरदस्त रहने वाली. आयमा बेग काफी हद तक लोन एचपी हो जाएंगे. 3x का इस्तेमाल करती हैं M416 के ऊपर. नाम मैं भूल चुका था, काफी देर से कास्टिंग नहीं की. लेकिन
एक पॉइंट के डिफरेंस चल रहा है जब से इस मैच का आगाज हुआ है, एक एक पॉइंट आगे पीछे चल रही टीम। नीलम की तरफ से एक फ्रैग स्कोर किया जाता है, 7 किल्स कर चुकी है नीलम। आयमा और नीलम के किल्स आई थिंक सो बराबर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल आयमा क्रॉसेस के अंदर आती हुई बहुत जबरदस्त पीक एंड फायर किया जाता है, आयमा की तरफ से भी काउंटर किया जाता है एंड शी गेट्स टेकन डाउन। नीलम की तरफ से पूरी डोमिनेशन दिखाई जा रही है इस मैच में। आयमा थोड़ा सा परेशान हो चुकी है क्योंकि पिछले मैच को जीतने के बाद कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट अप हो चुका, कहीं इस मैच के बाद कॉन्फिडेंस गिरता हुआ ना नजर आए। इसके बाद एक और टीडीएम और एक लिव का मैच बाकी रहने वाला है, लेकिन दोनों के दोनों प्लेयर्स एक ही एंगल से पुश आउट करते हुए थोड़ा सा रिट्रीट बैक किया जा रहा है टीम रेड की तरफ से। नीलम की तरफ से अपने बेस को कंट्रोल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि प्लेयर्स को आगे आने ना दिया जाए, लेकिन 2023 की सिचुएशन बन चुकी है। 4 मिनट अभी भी बाकी है इस मैच को खत्म होने के लिए एंड स्टार के गॉड फ्यूरी बहुत ज्यादा लो एचपी हो जाएंगे। ही गेट्स टेकन डाउन, आयमा बेक के बैकपैक में किल जाएगा और 21v23 एंड 3 मोर मिनट्स टू गो ऑलमोस्ट। Look at that smile on their face. जैसे ही kill confirmation होती है, आयमा के चेहरे पर एक smile आती है और बताते हैं अपने opposition को कि वो इस दफा फिर से इस मुकाबले के लिए ready रहने वाली है। लेकिन एक दफा फिर से fight, आयमा को pick off किया जाता है Star God Fury की तरफ से। नीलम की team एक दफा फिर से 2 points की lead लेकर यहाँ पर जाती हुई, लेकिन reviews low on HP, दोनों players का यहाँ पर push आता हुआ। नीलम की team एकजुट होकर खेलती हुई नजर आ रही है और अभी तक के लिए एक दफा फिर से एक और kill confirmation। टीम वर्क देखें यहाँ पर आदि, बेहतरीन जो है मुजाहरा टीम वर्क का किया जा रहा है। 2v1 हमेशा फाइट लेते हुए नजर आ रही है टीम, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर टीम नीलम अभी भी 4 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ आगे मौजूद रहने वाली है, एक एक करके आगे जाते हैं और टीम नीलम बख्शती हुई नहीं नजर आ रही किसी भी प्लेयर को। टीम सॉल्टेक्स साइड के रिव्यू के बाद 13 किल्स मौजूद रहने वाले हैं। ही इज द गाय जिससे आपको डरना पड़ेगा। गॉड फ्यूरी को टेक डाउन करते हैं, रिव्यूज क्या 1v2 कर पाएंगे। 1v2 यहां पर सक्सेसफुली पुल ऑफ किया जाता है टीम रेड के अगेंस्ट। नीलम गेट्स एलिमिनेटेड और रिस्पॉन होकर वापस आएंगे, डिफरेंट एंगल्स होल्ड किए जा रहे हैं। एक प्लेयर राइट से फ्लैंक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम रेड टीम नीलम दोनों के दोनों प्लेयर्स एक ही जगह पर मौजूद रहेंगे। काफी जबरदस्त एक मिड रेंज किल स्कोर करती हुई नजर आई, लेकिन रिव्यूज अगर यहां पर 1v2 कर देते हैं तो मजीद जो है वो डिफरेंस नैरो कर दिया जाएगा। रिव्यूज की तरफ से रिव्यूज आएंगे ड्रॉप शॉट देने की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छा कवर का इस्तेमाल गॉड फ्यूरी करते हुए नजर आए। बिग बैक एंड से आएंगी, गॉड फ्यूरी को क्या टेक डाउन कर पाएंगी। गॉड फ्यूरी के ऊपर क्रॉसर प्लेसमेंट की जाती है, नीलम बिहाइंड द वेयरहाउस कोशिश कर रही है कि डिफरेंट एंगल से एक नैरो एंगल से टेक डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन आयमा बिग शी इज वेटिंग कि कोई ना कोई प्लेयर सामने की तरफ से आए और वो उसको टेक डाउन करे। लेकिन जस्ट लुक एट द एंगल्स, नीलम जो एंगल होल्ड कर रही है वो अलाउ ही नहीं कर रहा टीम ब्लू को कि वो वेयरहाउस से एंट्रेंस लें। और अब मसला आ चुका है, यहां पर 2 मिनट रह चुके हैं और 3 पॉइंट्स की अभी भी लीड के साथ टीम नीलम मौजूद रहने वाली। एक और पॉइंट स्कोर किया जाता है और 4 पॉइंट्स की लीड बन चुकी है, बिल्कुल 4 पॉइंट्स की लीड, 5वें पॉइंट की लीड। और नीलम एक और किल कंफर्म करती हुई, 14 एलिमिनेशंस यहां पर रहने वाली है नीलम के पास। और अभी तक के लिए हमारे जो सेलेब्स हैं उनमें सबसे ओवरपावर्ड गेम प्ले भी इनकी तरफ से इस मैच के अंदर दिखाया गया। लेकिन बात करेंगे एक दफा फिर से क्लोज कॉल, अभी भी जो है हमारे सामने 6 पॉइंट्स की लीड रहेगी और ये लीड तोड़ना मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं रहने वाला टीम आयमा बेक के लिए। दे आर रेडी फॉर दिस चैलेंज। नीलम की तरफ से एक दफा फिर से डैमेज दिया जाता है, लोअर एचपी मौजूद रहेंगे। रिव्यूज के ऊपर गॉड फ्यूरी की तरफ से पुश और किल कंफर्मेशन, बट नीलम यहाँ पर लेजेंडरी पर जा चुकी हैं। और बात करें यहाँ पर इस सारी सिचुएशन में, टीम जो है बिल्कुल 1 मिनट 20 सेकंड का जो है वो टाइम रह चुका है और इसी के साथ हमारा मैच भी इख्तामी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर मजीद लीड को बरकरार रखते हुए टीम नीलम 1v2 करते हुए नीलम मुनीर यहाँ पर 1v2 पुल ऑफ करेंगे टीम ब्लू के अगेंस्ट। आयमा को अब थोड़े से पसीने आते हुए क्योंकि इस मैच को उनको हाथ से जाने नहीं देना, अब यहाँ पर कमबैक शो करना पड़ेगा। क्या कमबैक शो किया जाएगा टीम आयमा की तरफ से। फिलहाल रिव्यूज भी फुल इन टू द गेम जा चुके हैं, बिल्कुल घुस चुके हैं गेम के अंदर। नीलम की तरफ से एक और फ्रैग स्कोर किया जाता है, 28v37 की सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। सिर्फ 50 सेकंड्स मोर टू गो और ये मैच खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्लियरली टीम नीलम ने इस मैच में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन अभी भी 2 मैचेस मजीद बाकी हैं तो अभी कहना सही नहीं होगा कि कौन सी टीम जीत रही है। आयमा बेक को टेक डाउन करते वेयर हाउस का फुली कंट्रोल लेते हुए टीम नीलम और अब एग्रेस किया जाएगा। 2 प्लेयर सामने की तरफ आते हुए, लेट्स सी किल स्कोर कर पाती है या नहीं कर पाती। एक प्लेयर को टेक डाउन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शी गेट्स टेकन डाउन। आखिरकार मैच अपने हाथ में करती हुई टीम नीलम, स्टार एक्स गॉड फ्यूरी 21 किल्स के साथ, नीलम मुनीर 19 किल्स के साथ, 6 की कॉम्बो, 4 की कॉम्बो और दूसरी तरफ 12 और 17 किल्स। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई जाती है दोनों ही टीम्स की तरफ से एंड लिटरली एग्रेसिव मैच, टोटली एग्रेसिव, वन साइडेड नहीं खेला यार। शुरू में बहुत अच्छा मुकाबला किया टीम आयमा ने, लेकिन उसके बाद ऐसी लीड ली गई टीम नीलम की तरफ से कि हम हैरान रह गए। बिल्कुल जी, हैरान कर दिया, दंग कर दिया हमें। और आई बिलीव व्यूअर्स भी बहुत परेशान हो रहे होंगे कि हुआ क्या है, ये हुआ क्या है, होया कि ये।
लेकिन दोस्तों अभी भी एक दो मैच बाकी हैं जो कि डिसाइड करेंगे। लेकिन पॉइंट्स की बात करें तो तीन तीन पॉइंट्स टीम आयमा के पास, 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, टीम नीलम के पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, और टीम बिलाल के पास फिलहाल 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट रहेगा उनके पास। सो बिलाल को अब चाहिए कम बैक। आखिरी मैच टीडीएम का जो आखिरी मैच है वो टीम बिलाल वर्सेस टीम नीलम खेला जाएगा। बिलाल को ये मैच जीतना ही जीतना है अगर पॉइंट्स को टाई करना है। 3 पॉइंट्स बिलाल को चाहिए आखिरी मैच से पहले। अगर ऐसा हो जाता है गाइस, अगर बिलाल इस मैच में 3 पॉइंट्स ले जाते हैं तो आखिरी मैच में तबाही है आखिरी मैच में। वैसे yes. इस पे मैंने एक शेर जो है वो तैयार कर लिया था जब नीलम जीत रही थी, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ सकता हूँ या फिर इंतजार करते हैं उनके सेशन का, उनको सामने सुना देंगे। क्या कहते हैं आप इरशाद? आप बेशक मैं कहता हूँ सामने सुना देंगे। चले यहाँ पर इनवाइट, चले यार इरशाद ही चले, मुझे वो पकड़िए, चले जरूर आप वो पकड़िएगा। ओके इरशाद एक बार जरूर जरूर, इनके चेहरे के तिल को तो देखो जरा, ये वही कंटिन्यू हो रहा है। ओके ओके ओके, पिछला शेर भी दोहरा दे जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, वो जरा। इनकी बातों में है एक अलग से मिठास, क्या बात, इनके लहजे की है एक निराली तासीर, क्या बात। पत्थरों में है महंगा तो नीलम बहुत, पर जो अनमोल है वो है नीलम मुनीर, क्या। अब आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, इनके चेहरे के तिल को तो देखो जरा, और इस मैच में जो इन्होंने हाल बनाया है उसके बाद है कि भोले भाले से कातिल को देखो जरा, क्या क्या बात, क्या बात। इनके चेहरे के तिल को तो देखो जरा, भोले भाले से कातिल को देखो जरा, जीतना इनसे मुमकिन है बिल्कुल नहीं, चाहे बंदूक दें इनको या फिर दें तीर, क्या क्या बात। जीतना इनसे मुमकिन है चाहे बंदूक दें इनको या फिर दें तीर, और पत्थरों में है महंगा तो नीलम बहुत, पर जो अनमोल है वो है नीलम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अलादीन। और मैं वंस अगेन कहूंगा मिर्जा गालिब की आपको जरूर रिक्वेस्ट आने वाली है, साथ से कंपनी में डाल दिया आपने आज। एक उसी गाली मुझे जो फॉलो बैक करके ना बड़ी थोड़ी सी जरा बातें साथ जरूर सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों कंपटीशन अभी रुका नहीं है, कंपटीशन अभी रुका नहीं है, और ये जो मैच है ना टीडीएम के बड़ा ज़रूरी है टीम बिलाल के लिए। मैं तो भाई मेरा वोट बिलाल सईद के साथ है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब ये मैच वो लेके जाने, आपने तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही बिलाल सईद को पकड़ लिया था। हाँ, क्योंकि मैंने उनका तारुफ करवाया है और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिंगर्स। गाइज हमने यहाँ पे जो है ना वो हमने भी यहाँ पर टीम अप किया हुआ है। सो मेरी टीम जो है वो बिलाल सईद है, ऑब्वियसली एस एन की जो है वो आयमा बेग है, और अलादीन की जो है वो नीलम। मैं सबके साथ, लेकिन खवातीन और हज़रात अभी और गेम्स बाकी हैं। बिल्कुल अभी और भी गेम्स बाकी हैं, अभी एक टीडीएम रहता है और एक फोर्थ एनिवर्सरी लिविक मैच रहता है। तो आइए आखिरी टीडीएम की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि अभी 2 मैचेस बाकी हैं, लेकिन इस मैच में बिलाल को जीतना है। अगर बिलाल इस मैच में नहीं जीतते तो फिर वन साइडेड थोड़ा सा सिचुएशन हमें बनती भी नज़र आएगी, लेकिन अगर बिलाल जीत जाते हैं तो फिर मामला आखिरी मैच तक चला जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे टीडीएम की तरफ जो खेला जाएगा, टीम बिलाल वर्सेज टीम नीलम। सीधा चलते हैं दोस्तों मैच की तरफ, देखते हैं किस तरह से खिलाड़ी इस मैच में जब तैयार हो चुके हैं, और सीधा मैच की तरफ जाते हुए बिलाल सईद पबजी फिर से आ चुके हैं दोस्तों, और यहां पर जो है वो नीलम के साथ उनका जो है इस बार मैच है, नीलम वर्सेस बिलाल सईद। ये दोनों ही टीम्स आपस में जो है वो इस वक्त लड़ती झगड़ती हुई नजर आएंगे जरूर। लेकिन आगाज पहला फ्रैग कौन लेकर जाता है, ओपनिंग किसकी तरफ से की जाती है आदि, इसका इंतजार है। इंतजार तो रहेगा, लेकिन पिछले मैच में अलादीन टीम नीलम ने बहुत बेहतरीन खेला, हालांकि कंपटीशन जितना था उससे भी आगे अपनी लीड को ले जाते हैं। तो इस मैच में मुझे देखना है कि टीम बिलाल क्या कमबैक कर पाएगी, आप क्या सोचते हैं? हाँ, टीम बिलाल को कमबैक करना होगा, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट करना होगा। बिलाल के ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है, उनके टीम मेट आई क्यू के ऊपर भी फिलहाल नीलम जो है वो प्री फायर देते हुए नजर आती है। 3 फ्रैग्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं टीम नीलम की तरफ से, एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन नीलम को यहाँ से वो इस वक्त एलिमिनेट किया जाता है क्योंकि तरफ से काफ़ी शानदार पिट निकाली गई है। आई वॉन्ट टू सी बिलाल, मेरी नज़र जो है वो बिलाल पे रहने वाली है। बिलाल जो है वो जितनी उन्होंने मोटिवेशन अपने लिए ले ली है गाने के बाद, आई थिंक सो उसके बाद तो परफॉर्मेंस निकालना बनता है बॉस। लेकिन फिलहाल टीम नीलम कहीं ना कहीं डोमिनेशन दिखाते हुए 3 पॉइंट्स की ओके, अब 2 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है नीलम, क्या वंस अगेन एक और फ्रैग स्कोर कर लिया जा चुका, 1v2 और यहाँ पर 1v2 पुल ऑफ कर लिया जाता है टीम नीलम की तरफ से। इनफैक्ट नीलम मुनीर की तरफ से 1v2 किया जाता है, 6-2 पर ये पॉइंट्स आ चुके हैं, और अभी भी 8 मिनट बकाया है, लगभग 9 मिनट बकाया है इस मैच में। तो कुछ ना कुछ भी हो सकता है, अलादीन कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत टाइम बाकी है आगाज से सिर्फ इस मैच का, जहां पर 7 किल्स इकट्ठे किए जा चुके हैं टीम नीलम की तरफ से। कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग लग रही है ये टीम, लेकिन बिलाल सईद आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और काफ़ी डैमेज कंटेन कर पाते, लेकिन आई क्यू हियर समथिंग अमेजिंग, आई क्यू यहाँ पर जब 1 मिनट लेते हुए लेकिन नीलम मुनीर के सामने नहीं टिक पाते, और आई क्यू को थोड़ी देर के लिए शट डाउन किया जाता है उनकी तरफ से। 1 HP पे सर्वाइव कर रही थी, लेकिन आई क्यू फिर से स्पॉन होकर आते हैं और
अपना बदला जो है वो ले जाते हैं। अभी बहुत टाइम है, 6 पॉइंट्स की लीड है, रफ्तार रफ्तार एक एक किल अगर भी स्कोर करते हैं टीम बिलाल तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चेज अप कर लेंगे और अब मजीद नैरो डाउन करने की कोशिश की जा रही है डिफरेंस को। 410 पर बात आ चुकी है। टीम नीलम को अगर हम देखें तो बिल्कुल भी डोमिनेशन उनकी जा नहीं रही है, कॉन्स्टेंटली इस दूसरे मैच में भी अच्छा आगाज लेकर जाते हैं, लेकिन लुक एट दिस दोनों के दोनों प्लेयर्स एक ही एंगल पर मौजूद हैं एंड नीलम खासकर काफ़ी केयरफुल खेलती हुई नजर आ रही है। IQ को डैमेज भी किया जाता है, दोनों के दोनों प्लेयर्स एक ही एंगल से रशिंग करते हुए स्पॉट डाउन करते हैं, लेकिन क्रॉस हेड प्लेसमेंट ऐसी रहेगी बिलाल की कि हेड कनेक्ट करते हैं। नीलम रिस्पॉन्ड होकर आ चुकी हैं, बिलाल अभी भी फ्रंट एंड के ऊपर मौजूद रहने पर लेकिन प्री फायर्स में आ जाते हैं। गॉड फ्यूरी इज द मैन जो कि टेक डाउन करेंगे। स्कॉट फ्यूरी इज द मैन जो कि टेक डाउन करते हुए नजर आते हैं। हालात काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं इंस्पेक्टर बिलाल से, क्लिपर से जो कि आपके फेवरेट हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ड्रॉप शॉट देने की कोशिश IQ की तरफ से, लेकिन उनको एलिमिनेट किया जाता है। दोस्तों ये मैच जो है वो कुछ ज्यादा ही डिटली होता हुआ नजर आ रहा है हमें, लेकिन बिलाल सईद प्री फायर देते हैं इस बार, फिर से कामयाब नहीं होते। कैरी करने की कोशिश IQ की तरफ से जारी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिलाल से ड्रॉप शॉट देने की कोशिश करते हुए नीलम उनको ड्रॉप शॉट नहीं देने देती और फ्रैग में कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल टीम बिलाल की तरफ से कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो हमें देखने को कुछ खास नहीं नजर आ रही है, एक एक करके प्लेयर्स आगे जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन बिलाल की तरफ से बहुत खूबसूरत कमबैक आता है, क्राउच करते हुए नजर आए और पीक एंड फायर करते हुए नजर आते हैं। नीलम मुनीर अब आ चुकी हैं और प्योर एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है उनके कैब में भी, और जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इस पास में जितनी ज्यादा लीड बनाई जाए उतनी ही बनाए, लेकिन फिलहाल नीलम मुनीर एक बैक स्टैब का सामना करना पड़ता है QRK IQ की तरफ से। बेस होल्ड की जा रही है टीम बिलाल की तरफ से, टीम नीलम की तरफ से। इनफैक्ट टीम बिलाल एक प्लेयर वेयरहाउस में रहेंगे और एक प्लेयर राइट साइड पे रहेंगे और कोशिश की जा रही है नीलम की तरफ से कि अपनी लीड को मजीद आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं टीम बिलाल के ऊपर, तो अब उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि होल्ड किया जाए, ज्यादा किल्स ना दिए जाए। एग्जैक्टली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किल्स दिए जाते हैं उनकी तरफ से, बिलाल थोड़े से फैक्ट लेते हैं, थोड़े फैक्ट IQ ले जाते हैं और इस बार नीलम को थोड़ा सा जब उनकी परफॉर्मेंस को जब खटाई में डाला जाता है और फैक्ट किया जाएगा 11-15 स्कोर लाइन हो जाएगी, IQ रिस्पॉन होकर आते हैं तो वो फिर से स्कोर लाइन को जब बराबर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ना ये जो सिचुएशन है जहाँ पर बिलाल सईद अकेले आगे चले जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ओपोनेंट्स में जब वो दोनों प्लेयर साथ मौजूद होते हैं ये ज्यादा उनके जो है वो ऊपर हावी साबित हो रही है। IQ अब 1v1 लेने की कोशिश करेंगे लेकिन नीलम के सामने 1v1 कैसे ले सकते हैं IQ आप, जैसे समथिंग जो कि IQ को जब वो पावर जब वो बार बार करा रही हो क्योंकि उनको अकेले पुश नहीं करना। 1 HP पर आ गए थे स्टार के गॉड फ्यूरी एंड बिलाल को कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि मैं नॉकआउट निकाल लूंगा, मैं केल ले लूंगा, लेकिन गॉड फ्यूरी की तरफ से बहुत अच्छा रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। बिलाल सईद वापस आएंगे और अपना रिवेंज लिया जाता है, गॉड फ्यूरी को एलिमिनेट करते हैं और नीलम को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। रिस्पॉन होकर गॉड फ्यूरी वंस अगेन सामने की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी देखने को अब नजर आ रही है टीम बिलाल की तरफ से, लेकिन लीड अभी भी टीम नीलम के पास बहुत ज्यादा मौजूद रहने वाली है। जहां पर सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं IQ को टेक डाउन किया जाता है नीलम की तरफ से, लेकिन बहुत खूबसूरत कवर फायर प्रोवाइड करते हैं बिलाल सईद। लुक एट दैट जंप पूरी तरह से गेम के अंदर घुस चुकी है दोनों टीम्स, कमबैक करना पड़ेगा, कमबैक बहुत इस वक्त जो है वो शदीद उसकी ज़रूरत है कमबैक की, लेकिन बिलाल सईद ही बी एबल टू डू दैट, इस चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा जरूर। 15-20 स्कोर लाइन, 5 पॉइंट्स का फर्क है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आपको 3 बार जो है वो सामने वाली टीम को एलिमिनेट करना और आप 1 पॉइंट उल्टा ज़्यादा ले जाएंगे उनसे, लेकिन बिना एलिमिनेट हुए। और ये चीज़ कहते हुए जो बिलाल सईद अभी तक नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन नीलम TPP ली जा रही है बहुत शानदार तरीके से, आगे बढ़ेगी IQ सामने मौजूद, 1v1 लेने की कोशिश IQ यहाँ पे जगल करेंगे लेकिन नो कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन अब लीड को चेज करना पड़ेगा टीम बिलाल को। 5 पॉइंट की लीड चाहिए, 4 मिनट यहाँ पर रह चुके, गॉड फ्यूरी बिलाल सईद को एलिमिनेट करते हैं और 6 पॉइंट्स पर अपनी लीड को लेकर जाते हैं QRK IQ अच्छा कवर लेते हुए, दोनों के दोनों प्लेयर्स एक ही साथ जा रहे हैं टीम बिलाल के, लेकिन सामने की तरफ से भी इतना अच्छा उनको रिटालिएट किया जा रहा है। लुक एट दैट सरप्राइज में लेकर आते हुए गॉड फ्यूरी इनसाइड द कवर जाते हैं, QRK IQ ड्रॉप शॉट देने की कोशिश करते हैं लेकिन प्लेयर वहां से हट चुके होते हैं। गॉड फ्यूरी इज प्लेइंग रियली रियली गुड, नीलम के पास 10 किल्स आ चुके हैं, गॉड फ्यूरी एक और किल स्कोर करते हुए और मजीद अपनी लीड को आगे बढ़ाते हुए टीम बिलाल के लिए अब मुश्किलात बन चुकी हैं। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा अलादीन, बिल्कुल जी कुछ कमाल करना पड़ेगा दोस्तों उन्हें, लेकिन फिलहाल अभी तक करते हुए कामयाब तो नहीं होंगे। 16-23 की स्कोर लाइन चल जाती है, नीलम फिर से IQ को पिकअप कर लेती है, दिस इज समथिंग जो कि खतरे में जब लेकर जा रही है अनफॉर्चुनेटली टीम बिलाल सईद को, और बिलाल सईद धोनी में लेने के लिए जाएंगे ये देखना बहुत जरूरी, नीलम वर्सेस बिलाल सईद धोनी जिसके कारण मौजूद दरमियान में एक टैंकी लेकिन गॉड फ्यूरी का कवर आता है एंड रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है अपने टीममेट को और स्कोर लाइन को 10 पॉइंट्स के डिफरेंस में धकेला जाता है। दोस्तों टीम नीलम को हराना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन बन चुका है, लेकिन टीम बिलाल को अशद जरूरत है पॉइंट्स की, किल्स उनको निकालने हैं। 3 मिनट रह चुके जहां पर
प्रेशर रहेगा, टाइम का भी क्लॉक जो है वो टिक टिक करता हुआ नजर आ रहा है और इसी एक के साथ मुझे साथ बड़ी शानदार लग रही नजर आ रहे हैं। जी जी, नीलम इज प्लेइंग ऑन फोर फिंगर क्लॉक। एग्जैक्टली, मैं वही चीज अभी नोटिस कर रहा था लेकिन मैं मेंशन नहीं कर पाया। और अच्छा, चार साल से गेम खेल रहा हूँ मैं और मैं तीन फिंगर से ऊपर नहीं गया। क्या बात है, क्या बात है, प्रो प्लेयर उस्ताद। छोड़ दिया, जॉब छोड़ देनी चाहिए हम लोग को। लेकिन अभी भी 10 पॉइंट्स की लीड। अलादीन कमबैक के चांसेस क्या लग रहा है, बन पाएंगे? आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज़ 3 मिनट्स बाकी हैं, 10 पॉइंट्स का आप जब अगर ऐसा होता है तो बिलाल को मान जाएंगे आप? बिलाल को मैं तो वैसे ही माना हूं मैं तो वैसे ही माना हूं बिलाल को, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मैं फिर आपको मान जाऊंगा। अच्छा, 9 पॉइंट्स पे आपको नहीं माना मैं अभी तक। रोस्टिंग सेशन जो है वो चलता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर नीलम मुनीर एग्रेस करती हुई क्यूआर के आईक्यू को स्पॉट डाउन करने जा चुका, जंप फायर करते हैं लेकिन जबरदस्त क्रॉस हेयर प्लेसमेंट दिखाई जाती है। बैक एंड से बिलाल सईद आते हैं, एलिमिनेट तो कर जाते हैं लेकिन अपना किल भी दे जाते हैं सामने टीम को। अभी भी 10 पॉइंट की लीड बाकी है मेरान सुबारे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्यूआर के आईक्यू कोशिश कर रहे भरपूर तरीके से कम बैक करें। इनसाइड द कवर रहते काफी हद तक, लोन एचपी कर दिया जाएगा इनको, थोड़ी देर यहाँ पर हील करना चाहिए उसके बाद निकलना चाहिए। गॉड फ्यूरी को टेक डाउन करने में कामयाब, लेकिन 2 मिनट रह चुके हैं। टीम बिलाल को कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। नेट्स का इस्तेमाल आई थिंक सो नहीं कर सकती है टीम, सिर्फ गन पावर की बेसिस पे कर नहीं रहे, कर नहीं रहे। ओके, व्हाई, मतलब क्यों, जरूरत नहीं पेश आ रही ना वो गन पावर से। वो कहते हैं कि हमने बंदूकों से ही जो है यहां पे हमला करना है, नेट्स को यूज नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लाइक मिस करा बना नेट्स को बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहां पर 1.5 मिनट चला, 1.5 मिनट और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। लेकिन आई क्यू का फ्लैंक एरम को एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं। आई क्यू बिलीव एबल टू टेक वन मोर डाउन और नॉट, लेकिन इस बात का जवाब शायद नाम ही होगा बिकॉज नीलम आती हैं, जिगल करती हैं और ले जाते हैं। दिस इज सो सिंपल बात। लेकिन बिलाल सईद एक ऐसा एंगल होल्ड करें जहां पर टीम रेड को पुश बैक किया जा सकता है और आई क्यू अगर एग्रेस करते एक डिफरेंट एंगल से तो मेरे ख्याल से दोनों किल्स उठा सकते हैं। लेकिन बिलाल की तरफ से क्रॉस रिप्लेसमेंट देखने को मिलती है, नॉक भी करते हैं, नॉक नहीं एलिमिनेट करते हैं, आई क्यू बैक एंड से किल ले जाते हैं। 26:34 चंद ही सेकंड्स बाकी हैं, 1.5 मिनट बाकी रहेगा इस मैच को खत्म होने में। लेकिन आई क्यू का एंगल जरा आप चेक करें, नीलम को काफी हद तक लोन एचपी कर दिया जाता है और नीलम परेशान हो चुकी है कि लड़का मार कहां से रहा है। लेकिन बैक एंड के ऊपर नीलम भी पीछे नहीं हट रही, हालांकि लोन एचपी है लेकिन फिर भी जोश से काम लेती हुई नजर आ रही है। नीलम एक डिफरेंट एंगल के ऊपर जाएंगे, आई क्यू सामने की तरफ मौजूद रहने वाले, आई क्यू स्पॉट कर पाएंगे। आई क्यू सामने की तरफ आते हैं, कवर से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा पनिश भी जरूर किया जाता है, लेकिन आई क्यू की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है। आई क्यू सामने की तरफ आएंगे, कनेक्ट होगा एंड नीलम ये किल लेकर चली जाती है। 27v35 की सिचुएशन एंड 56 मोर सेकंड्स टू गो। बिल्कुल जी दोस्तों, इट्स इम्पॉसिबल टू यू नो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर टीडीएम का प्रोफेशनल लेवल पे कंपटीशन हुआ नीलम वो जीत गई है पहले से। द वे शी इज प्लेइंग राइट नाउ, ये आसान नहीं है इस तरह से खेलना बिल्कुल। लेकिन किल्स देखते हैं नीलम के पास कितने मौजूद रहेंगे इंडिविजुअली। टीम ब्लू एग्रेस करती हुई क्यूआर के आईक्यू अलोंग विद बिलाल किल्स, ओ मैन, किल्स डोमिनेशन के ऊपर जाते हैं। लेकिन 29v36, 30 मोर सेकंड्स टू गो, हाथ से मैच क्या 40 पे जा सकते हैं? सकते हैं, अभी तक 40 वाला गेम नहीं हुआ, 40 वाला गेम नहीं हुआ एग्जैक्टली। लेकिन लेट्स सी कि नीलम कैन डू वंडर्स। बिल्कुल बिल्कुल, पिछला वाला जो 40 पे था जरूर, लेकिन दोस्तों पर फिर से क्या 40 पे जाता है गेम या नहीं। लेकिन फिलहाल इस वक्त फिलहाल से पुश करते हुए नजर आएंगे, फ्रैग लेने की कोशिश की, लुक एट द लीड, लीड काफी क्लोज हो चुकी है लेकिन नो, 10 ही सेकंड्स बाकी है पर एक और फ्रैग बटोरा जाता है। 37 फ्रैग यहां पे लिए जा चुके हैं इस वक्त के लिए और इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर टीम बिलाल सईद टू मेक अ कमबैक। एंड लुक एट नीलम, क्या ही खूबसूरती के साथ होने का मौका नहीं दिया जाता। 22 किल अगर आपके, 21 किल अगर एक प्रो प्लेयर के हैं तो नीलम 17 पे बैठी हैं। यस, एंड असिस्ट देखें आप, 6 असिस्ट भी दिए जाते हैं। सेलिब्रेशन देखें आप उनकी तरफ से आती हुई, एंड क्लियर कट जान चुकी थी कि वो इस कॉम्पिटिशन के अंदर एक बेहतरीन लीड ले चुकी है, बैक टू बैक अपने 2 मैचेस जीत कर जाती हुई। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ पबजी मोबाइल, टोटली अनएक्सपेक्टेड। कोई भी जो कि गेम खेलना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो गेम खेलना पसंद करता है वो इस गेम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है और ये हमें आज नीलम ने और बिलाल ने भी साबित करके दिखा दिया। बिल्कुल दोस्तों, स्टार्ट में जहाँ पर मौका दिया था उनको परफॉर्म करने का, उसके बाद उनको जिस तरह से एक हरी झंडी दिखाई थी पहले उन्होंने, उसके बाद लाल झंडी दिखाई जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस सिचुएशन में इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्ले फॉर टीम बिलाल सईद। मेरा दिल बैठ चुका है, आधी बैठ चुका है मेरा दिल, अभी दिल छोटा मत करे, लिविक है फोर्थ एनिवर्सरी। मैं अभी भी अपने बॉय के साथ हूँ, पंजाबी बॉय के साथ। यस,
#IllStandWithBilalSaeed जस्टिस फॉर आदि जस्टिस फॉर आदि यार ऐसा नहीं करो मेरे साथ मासूम सा मैं बचाऊं लेकिन फिलहाल आगे चलेंगे गाइस यहां पर शो खत्म नहीं होता अभी एक एक जो फोर्थ एनिवर्सरी मैच है जहां पर ये तीनों एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगे वो जो मैच है वो दीदनी रहने वाला है अब हम जाएंगे नीलम मुनीर की तरफ और गॉड फ्यूरी को दावत देंगे उनके साथ मौजूद थे इस मैच में भी तो इंस्पिरेशन देखते हैं और इनके तासुरात पूछते हैं क्या रहे इस मैच के बाद वेलकम बैक गाइस मना ना ताको समझेगा गेम को मन हाय बड़ा अच्छा खेला आपने जबरदस्त बहुत मजा आया आपके साथ टू गुड खूबसूरत थैंक यू मना ना आपने बहुत अच्छा खेला थैंक यू नीलम जिस तरह आपने भी गेम खेली है और आप उसको जीते भी हैं बहुत शानदार तरीके से तो गेम के दौरान आपने इतना शानदार वॉइस पैक किया है उसमें से कौन सी ऐसी लाइन थी जो आपने इस्तेमाल की हो बिकॉज जहाँ तक मेरी बात है मैंने वॉइस पैक खुद सुना यार मुझे वो मनाना वाली लाइन बहुत पसंद आई आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपकी फेवरेट लाइन कौन सी थी जो आपने गेम में इस्तेमाल की हो मेरी तो सारी फेवरेट लाइन है वो सारी लाइन ऐसी जो कि आप गेम खेलते वक्त आपको बोलनी पड़ती हैं सो मनाना बहुत सारे जो मुझे लोग मिले हैं फैंस भी और आम लोग भी सब ने मुझे बोला कि मनाना उनको ये आ गया कि जी थैंक यू वेरी मच सो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट लाइन है एक तो पमा बांध है डजुना के डोंट शूट मी और एक मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि गेम मास्टर माख पल्टीन के अखले गेम मास्टर आप मुझे अपनी टीम में ले गए तो ये भी मेरी फेवरेट लाइन है ये मेरी भी फेवरेट थी लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आई तो फिर मैंने कहा इसको साइड पे कहता है और ज्यादा समझ आ रहा है उसी को फेवरेट है वो जाके तो एक मेरा भी सवाल रहेगा कि खेलते हैं PUBG मोबाइल तो ये तो सबसे ज्यादा समझने वाली लाइन है निकालो यार इसको इंटरव्यू बाहर निकालो इंटरव्यू में सुनूंगा अल्लाह दिन का माइक म्यूट करो यार जस्ट किडिंग लेकिन नीलम आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा PUBG मोबाइल के साथ और आने वाले जो वक्त है क्या हम आपको दोबारा देखने वाले हैं ऑफ कोर्स देखेंगे बिल्कुल देखेंगे मेरी तरफ से तो एनी टाइम हाँ है क्योंकि मैं खुद भी PUBG मोबाइल बहुत शौक से खेलती हूँ एक तो मुझे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि अलॉट ऑफ टाइम्स हम बहुत बिजी होते हैं यू नो तो कोई दोस्त अवेलेबल नहीं होता जिससे आप बात कर सकें मगर ये गेम में आप जाके आप एनी टाइम यू कैन गो एंड हैव फन और बहुत मज़ा आता है सो एक अच्छे से टाइम गुजर जाता है और जब मैंने PUBG मोबाइल का जब मुझे पता चला कि मैंने इनके लिए वॉइस पैक करना है वो भी पश्तो लीव मी मुझे बहुत खुशी हुई आई थिंक ये मेरी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है और शूट पे भी हमने बहुत एंजॉय किया बहुत प्रोफेशनल तरीके से शूटिंग हुई बहुत फन के साथ मैंने बहुत काम किया जिंदगी में यू नो मूवीज में ड्रामास में सॉन्ग्स में लेकिन ये जो पहली बार मैंने किसी यू नो गेमिंग कंपनी के लिए काम किया है चलें थैंक यू सो मच नीलम के आपकी आवाज़ में खूबसूरत आवाज़ में हमें एक वॉइस पैक सुनने को मिला और जो पश्तो फैंस हैं हमारे ये उनके लिए खुशखबरी है असल जो ईद है वो उनकी हुई yes. है तो गाइस आप हमारी भी थोड़ी सी हुई हमारी भी हुई है ना कि सिर्फ पश्तो ने जिनको नहीं भी आती ना 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 कि सिर्फ पख्तून फैंस ने जिन्हें पश्तो नहीं भी आती उन्होंने भी 15 चिकन डिनर किए हैं और इस वॉइस पैक को लिया है और मजे की बात बताऊं मैं जब खुद गेम खेल रही होती हूं और जब मुझे लोग ऐड करते हैं गेम में तो फिर वो मेरी वॉइस पैक लगा रहे होते हैं क्या बात है क्या बात है तो आपको एक आखिरी सवाल एक छोटा सवाल कि आपको क्या फील होता है कि आपकी आवाज मतलब ऑलमोस्ट सभी ये गेम खेलते हैं आप जिस घर में जाएंगी तो ये गेम कहीं ना कहीं चल जरूर रही होती है सो वो फीलिंग जरा डिस्क्राइब करिए कि आपकी आवाज है हर जगह पर इवन ना के घर इवन हम सेट्स पे खेल रहे होते हैं जब हमारे पास टाइम होता है कहीं पे वेट कर रहे होते हैं वहाँ पे जल्दी से गेम लगा ली खेलिए बहुत मजा आता है तो आप सॉरी टू कट यू आप मैं पूछना चाह रहा था चले आसान अल्फाज में पूछता आप फ्लेक्स करती है थोड़ा कि यार ये तो मेरी आवाज है बहुत मजा आता है मेरी तो आवाज बहुत अच्छी लगी उसमें और मुझे यस मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज है बिल्कुल मैंने इतने प्यार और दिल से किया है इतनी मेहनत के साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है तो मुझे क्यों नहीं लगेगा कि मेरी आवाज है मुझे लगता है मेरी आवाज है आप फ्लेक्स करती दोस्तों में कि यार देखो हाँ। मेरी आवाज भी गेम में मेरी आवाज भी गेम में नहीं मैंने अभी तक तो नहीं किया लेकिन करना चाहिए आपसे बात करने के बाद ना ये आइडिया मुझे आ गया यस मैं अभी उस मोड पे गई नहीं थी अब मैं जाऊंगी चले बेहतरीन सो गाइस मेरा क्वेश्चन रहेगा यहां पर गॉड फ्यूरी से गॉड फ्यूरी एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर एक मैं समझता हूँ कि ऐसी लैंग्वेज जो कि कई लोग जो हैं वो थ्रू आउट द पाकिस्तान बोलते हैं उसके अंदर ये वॉइस पैक आया है सो PUBG का ये इंक्लूजन ये एक पश्तो में वॉइस पैक लाना आप एज अ प्लेयर इसको किस तरह से देखते हैं मुझे बहुत पसंद आया ये वॉइस पैक और मैं खुद भी मतलब मैंने कभी मतलब कोई भी वॉइस पैक आया मैंने वो यूज़ नहीं किया मतलब मैंने सेट नहीं किया अपने उसमें ये फर्स्ट वॉइस पैक आया मतलब मैंने जो सेट किया है
उसमें मतलब इसमें जो मनाना और डेर खा और एक्सीलेंट वर्क पे वो आया हुआ है, और इसके अलावा जो है मतलब काफी आए हुए हैं, डोंट शूट का जो आया हुआ है, माँ पापा मत डजोना की, तो ये बहुत मजे का लगता है। ये पश्तो तो बोल रहा है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए स्टेज इनके हवाले किया जाए और इनको कहा जाए कि नीलम से थोड़ी गप सकते हैं, और जो फैंस जो पश्तून फैंस जो देख रहे हैं उनके लिए कोई जो वो मैसेज अगर आप इनसे पश्तो में दिलवाएं, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही, बट ऑब्वियसली हम जज्बात देख के खुश हो थोड़ी देर के लिए होस्ट आप हैं फ्यूरी, ये स्टेज आपके हवाले, स्टेज इज योर्स। नहीं मैं अब क्या बोलूं यहां पे, चलो मैं बोल देती हूं, मैं फैंस के लिए बोल देती हूं, ये ठीक है। चले आप जी 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 बिल्कुल, मैं फैंस को यही बोलूंगी कि स्तासो मिना मोहब्बत पमा बांदे देर ज्याद ग्रांदे पबजी लो भी कवे और एंजॉय कवे। कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ अच्छा भी लगा, मुझे भी आ गया ना मोहब्बत समझ आया। नीलम आप इसको Good. इसको ट्रांसलेट थोड़ा सा कर दीजिए हमारे लिए, हम थोड़े से नूब्स हैं, हम न्यूबीज हैं बिल्कुल। अच्छा ओके okay. मैंने कहा कि आपकी मोहब्बत आपका प्यार जो है मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एंड पबजी खेलें और एंजॉय कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। गॉडफ्री आपकी तरफ से अगर कोई मैसेज हो लाइक थोड़ा सा हमारे पश्तो फैंस के लिए, अपने स्टार के फैंस के लिए बोलिए, वो बहुत सुनना चाहेंगे फ्यूरी या पश्तो में। हाँ yes, yes. कोई भी कोई भी स्टासो स्पोर्ट मुंगला तसे पकार दे और इसको हमारे उर्दू जो व्यूअर्स हैं और जिनको पश्तो नहीं आते, मतलब क्या आप लोगों की सपोर्ट हमें इस तरह ही चाहिए जिस तरह मतलब आप लोग देते हैं। क्या बात, वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस ऑफ गॉडफ्री गाइस। सो इसी के साथ साथ हम अगली गेम की थोड़ी बहुत तैयारी पर चलते हैं, क्योंकि आखिरी मैच है लिविक का रहेगा और टीम बिलाल जो है जहाँ पर वो बैक एंड के ऊपर तैयारी पूरी तरह से पकड़े। लेकिन थैंक यू सो मच नीलम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला, सेम फॉर यू गॉड फ्यूरी एंड आई विश बोथ ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू रियली सो मच। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद अगले मैचेस की बात करते हैं, बल्कि एक मैच, एक आखिरी डिसाइसिव मैच रहने वाला है इन तीनों सेलिब्रिटीज़ के बीच, जहां पर पहले दो सेलिब्रिटीज़ हमें देखने को मिले आपस में लड़ते हुए, अब तीनों एक ही मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन इस लिविक के मैप पर जाने से पहले थोड़ी सी नज़र लीडर बोर्ड के ऊपर डालते हैं कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं। बिल्कुल जी, पॉइंट्स टेबल की थोड़ी सी बात करें तो नीलम इज़ ऑन टॉप विद 6 पॉइंट्स, उनकी तरफ से दो मैचेस खेले गए और दोनों ही जीत जाती हैं सर। बिल्कुल, बट भी बिल्कुल पीछे नहीं है, उनकी तरफ से भी एक जीत सिक्योर की गई अपने लिए, 3 पॉइंट्स उनके रहेंगे। लेकिन बिलाल इंतज़ार में है कब वो उतरेंगे लिविक के ऊपर और कब वो यहाँ पर एलिमिनेशंस और इस मैच की जीत के साथ अपने आप को टॉप पर लाने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ फैंस को बता देते हैं हम कि अगर बिलाल के मैच जीत जाते हैं तो एटलीस्ट वो सेकेंड आ सकते हैं, बिकॉज जीतने वाला 5 पॉइंट लेकर जाएगा, सेकेंड पर आने वाले को 3 पॉइंट, और अगर वो एक किल भी ले जाते हैं साथ तो वो पॉइंट लेकर जाएंगे। एग्जैक्टली फिर से बिलाल के साथ ही कैन बी ऑन टॉप। तो यस आदि, अभी तक मेरे ख्याल से आपके दिल की धड़कनें कायम बताएं होंगी। बिल्कुल, और इसी के साथ सब सदमा भी पहुंच चुका है ऐसे ने जो बात यहाँ पे कर दी है कि किल, अगर बिलाल के पास अभी भी मौका है कंपटीशन में वापस आने का, सो देखते हैं कि बिलाल किस जोश के साथ इस मैच में उतरते हैं और बाकी जो दो हमारी ख्वातीन हैं वो क्या करती हुई इस मैच में नजर आती है। मैच का आगाज हो चुका है, आइए खुद ही देखते हैं इस मैच में क्या होता है। नीलम इस बार फिर से डोमिनेट ना कर दे यार। अच्छा चले, वही गेम हम वापस करते हैं, करियर प्रेडिक्शन, फर्स्ट कौन आएगा प्लेसमेंट पॉइंट्स में, जिस तरह के हालात चल रहे हैं देखें, जो जीत रहा हूं मैं तो उसके साथ होता हूं यूजुअली, आई एम अप फॉर द विन ऑलवेज, और वैसे भी मैं नीलम के साथ ही था। चले, मेरा बेट जो है वो बिलाल के ऊपर रहने वाला है, तो आइए देखते हैं हम तीनों में से कौन निकलता है फाते। हमारी भी जंग है, मैंने आपके बाल पुक लेने हैं इसके बाद, और अगर आप हार गए तो मैंने आपके ट्रेंड कर देने। अला दिन आपने मुझे धमकी तो दे दी है। चलें आप देखते हैं इस मैच के बाद किसके सर के ऊपर से बाल उठते हैं, जिसकी टिंड हो गई हो यहाँ पर आप समझ जाइएगा, बस और बात है। मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुझे लग रहा है मैं जीतने वाली हूँ। लेकिन गाइस आखिरी मैच का आगाज हो चुका है, तो आइए देखते हैं इस मैच के अंदर कौन हावी होता है दूसरों पर। लिविक के मैदान में चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, फोर्थ एनिवर्सरी का ये शानदार लिविक का मैच आपके सामने, फ्लाइट पाथ भी आ जाएगा। बिलाल सईद, Where is he gonna jump? ये देखना बहुत जरूरी है। पावर प्लांट की तरफ जाते हैं या फिर मिड स्टेन का रख किया जाएगा। पहली बार लिविक का कास्ट करें, ऐसा कैसा लग रहा है?
बिल्कुल लिविक अपने आप के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और एग्रेसिव एक मैप है, लेकिन टीम्स उतरने वाली उस आइलैंड के ऊपर जो कि फोर्थ एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के अंदर बनाया जा चुका है, और प्लेयर्स जो है वहाँ पे उतरते हुए नज़र आएंगे, और वन बाय वन इस गोल्डन आइलैंड के ऊपर एलिमिनेशन जो है वो हमें स्टार्ट होती हुई नज़र आएंगी। एक बेहतरीन नज़ारा, और गॉड फ्यूरी उतरते साथ ही उनके हाथ में एक यू एम पी आ चुकी है, और स्किन वाली यू एम पी लेके आया। दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले देखते हैं कि गॉड फ्यूरी किस तरह से कर पाते यू एम पी को, या फिर नीलम आ भी होती भी नजर आएंगी फिर से जिस तरह से हमेशा होती भी नजर आएंगे इन तमाम मैचेस में। बल्लाल सईद का एक कमबैक बाकी है, तो बस ओवर रहा अब कुछ अवस्था। बिल्कुल गॉड फ्यूरी का सामना यहाँ पर, बिलाल सईद पहले काफी ज्यादा डैमेज देते हुए गॉड फ्यूरी की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ रिव्यूज को और आयमा को भी स्पॉट किया जा चुका है। नीलम विद दैट शॉटगन क्लोज रेंज के ऊपर फाइट नहीं ले पाएंगी, बट हियर वी गो बिलाल सईद यहाँ पर। आई टोल्ड यू नीलम नहीं छोड़ने वाले किसी को। गॉड आईक्यू अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सो हिज टीममेट इज स्टिल देयर, अभी भी चांसेस जो है वो यहाँ पर जीतने के उनके रहने वाले हैं, बट लुक एट दिस। ओके, शॉटगन वन, शॉटगन टू, शॉटगन थ्री, शॉटगन। आउच, ट्रस्ट मी नीलम से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन गॉड फ्यूरी इस बार रहा। वो भी कहते हैं कि मैं कैरी नहीं हो रहा, मैं बराबर खेलता हुआ नजर आऊंगा, काफी डैमेज इनकी तरफ से दिया जाएगा। रिव्यूज को रिव्यूज यहाँ आईक्यू से भिड़ सकते हैं, सिचुएशन इज डाउन टू अ 2v1v1 आई थिंक, लेकिन अभी तक देखें हालात क्या किस तरफ जाते हैं। तीन टीम्स और छः अभी तक अलाइव हमें नजर आ रहे हैं, रिव्यूज हवा में उड़ रहे हैं यार। बिल्कुल डैमेज पड़ता हुआ उनको यहाँ पर, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ से इस डैमेज से निकलना की कोशिश, लेकिन गॉड फ्यूरी स्पॉट कर लेते हैं, और इसी के साथ टीम सॉल्ट एक्स आई एट रिव्यूज यहाँ से चलते बनते हैं। सो टीम आयमा भी एलिमिनेट हो चुके इस मैच से, लेकिन पहली टीम जो कि एलिमिनेट होगी इस मैच से, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम स्टार अभी तक के लिए डोमिनेट कर रही है। बिकॉज ही टीम आयमा सॉरी नीलम अभी तक डोमिनेट कर रही है। नीलम की पब्लिक यहाँ पर ऑब्वियसली इंतजार कर रही है, जब वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन इट्स अ 1v2 नाउ। एक ईजी पुश उनकी तरफ से दिखाया जा सकता है, बट आई क्यू को क्लच करना होगा। आई क्यू हैज़ टू डू समथिंग अमेजिंग हियर, बिकॉज उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी। 5 पॉइंट्स हैं जीतने के दोस्त, बिल्कुल जीत के 5 पॉइंट्स यहाँ पर सेकेंड पे ला सकते हैं टीम बिलाल सईद को, और आई क्यू इंतजार कर रहे हैं उस अहम मौके का जहाँ पर टीम नीलम और यहाँ पर स्टार गॉड फ्यूरी मैं कहूँगा अपना गार्ड थोड़ा सा लोअर करेंगे, लेकिन आईक्यू यहाँ पर स्पॉट हो चुके हैं, उनकी तरफ से एक नेट थ्रो किया जाता है रस्ते में, गॉड फ्यूरी काफ़ी लोअर एचपी हो सकते हैं, नीलम यहाँ पर डैमेज खा सकती है, लेकिन डैमेज से पहले ही आईक्यू को काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया जाता है। लेकिन लुक एट दिस, लुक एट दिस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डोमिनेट करते हुए नीलम एक दफा फिर से जीत से हम किनारों, और बैक टू बैक यहाँ पर तीनों के तीनों मैचेस में ये टीम जीत चुकी है। आपको जीतना इनसे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, चाहे इनके हाथ में बंदूक हो या तीर होती। तो दोस्तों डोमिनेशन दिखाई जाती है इनकी, डोमिनेशन मैं भी थोड़ा सा बना लूं इसके ऊपर शेर, बना ले हाथ में बंदूक हो या होती, जीत के जा चुकी है नीलम मुनीर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस दफा तकलीफ हो रही होगी गालिब को 100% आपको। इस दफा अल्लाह दिल को हो रही है, मुझे बहुत हो रही है इस बार। मेरा बना हुआ शेर मुझे सुना के कह रहे हैं कि मैंने बनाया। लेकिन गाइज आखिरी मैच के अख्ताम को पहुंचते हैं, लेकिन लीडर बोर्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड पे क्या हालात हैं, क्या चेंजेस आए हैं, तब्दीली आई हैं। ऑब्वियसली नीलम मुनीर ने चारों के तीन मैचेस के अंदर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। अगर आईक्यू लास्ट मोमेंट में क्लच कर जाते, 5 पॉइंट्स उनको मिलते चिकन के, 2 पॉइंट्स उनको मिलते किल के, और बिलाल सीधा जंप करके ऊपर आ जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आईक्यू के पास चांस था, लेकिन आई थिंक सो कोशिश अच्छी थी, शुरू से कोशिशें ज़रूर की गई इन सारी टीम्स की तरफ से, लेकिन मैं हैरान हूँ टीम नीलम की परफॉर्मेंस देखकर, एक भी मैच नहीं हारी वो भाई। वो ऐसा वो होता ना, कुछ प्लेयर जिनको हम कहते हैं कि हारने के लिए बने नहीं आए, ऐसे yes. वो कहाँ से वो खेली, हारने के लिए बनी नहीं हुई यार। को बनाया गया था कि मैंने वो क्या एग्जांपल दी थी एक दिन कि अगर लूजर्स की जंग हो रही हो ना, लूजर्स की रेस हो रही हो, तो उसमें भी जीत जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन हम अपने तीनों गेस्ट को दावत देते हैं हमारे साथ आए और इस मैच के बारे में अपनी फीलिंग्स हमसे जरूर शेयर करें। वेलकम बैक। ओके बिलाल, वी कैन सी दैट। मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता था।
women empowerment. मुझे देखो नीलम तो इतना अच्छा खेलती है, मैंने नीलम के आगे हार मान ली. और नहीं तो क्या. और हैरत की बात है कि मैंने ना कभी आयमा के साथ खेला पबजी में, ना कभी आपके साथ खेला. ये मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम खेला है मैंने. सी इतना अच्छा. मुझे तो आप दोनों की गेम देख के लगता है कि आप कुछ और करती नहीं है, सिर्फ पबजी खेलती हैं. आई थिंक आई नीड टू प्रो खेला है. वाह वाह. थैंक्स थैंक्स. मैं एक्चुअली तो नीलम को प्यार में हार गया ना, पता है. I love एक you. चीज मैंने नहीं आता आपको पता है मैं कैसी प्लेयर हूँ. मैंने आप दोनों का इतना प्यार देखा कि मैंने सोचा मेरा यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं है, मैं इसलिए सबसे पहले यार पहले आते ही गोली खाई है. राइवलरी राइवलरी बन चुकी है यहाँ पर इन तीनों के बीच में. और ये राइवलरी अब मुझे लग रहा है बिलाल जो है वो बदला जरूर लेंगे ऑफ कैमरा गेम में. मुझे ज्यादा सेलिब्रेट करने का दिल भी नहीं चाह रहा. इट वाज जस्ट अ गेम. सेलिब्रेट करना बनता नहीं. मैंने तो प्यार में जीते कोई भी हारे कोई भी आयमा को जो है वो गाना गाना पड़ेगा. आयमा आपको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा. और आयमा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. देखे मैं बाजी नीलम से हारी हूँ लेकिन मैं बाजी पे गाना गाना चाहूंगी नीलम के लिए. ठीक है ना, तो नीलम को समझ आएगी. आई नो कुछ समझ नहीं आएगी क्योंकि सराइकी में है, लेकिन ट्रांसलेशन आ गई है गूगल पे. ठीक है, तो सराइकी मुझे बहुत पसंद है. यस यस. अच्छा हाँ ओके. कहते हैं तो कहते हैं सत ढोल मनावणाए, सत यार मनावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, हो भावे सिर दी बाजी लग जावे, एहो मसला मुकावड़ाए, ओए हो मसला मुकावड़ाए, हो भावे सिर दी बाजी लग जावे, हो भावे सिर दी बाजी लग जावे. क्या बात है बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा. और आज तो आप तीनों ने आकर चार चांद लगा दिए हैं हमारे स्टेज को. तीन चांद आपको अपने से गिन लिया. नहीं मैं अपने आपको नहीं गिन रहा, मैं आप दोनों को गिन रहा हूँ एक ही में. फिर पांच बनते हैं. लेकिन थैंक यू सो मच. क्या चांद आप सब. तो गाइस इसी के साथ साथ बड़ा मजा आया आपका. आयमा हाँ जी आपका भी बहुत शुक्रिया. नीलम आपका बहुत शुक्रिया. और आप तो डोमिनेशन जो दिखा गई हैं वो प्लेयर्स और व्यूअर्स याद रखने वाले हैं. अब एक टाइम था, अब वो था में चला गया जब लोग कहते थे मुझे क्रिप्टो जैसा बनना है, एनोनिमस जैसा बनना है, बड़े प्लेयर्स जैसा बनना है. अब सबने कहना है नीलम जैसा गेम होना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगा. बिलाल एंड आयमा, अपने फैंस के लिए कोई मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं. बिलाल आपसे शुरू करते हैं, प्लीज कुछ भी आप कहना चाहें तो. जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको चाहता हूं कि आप इस गेम से मुझे जज ना करें. बेशक मैं हार गया हूं, पर जिंदगी हार जीत का नाम है. जिंदगी में हमेशा कमबैक करना चाहिए, जब तक आखिरी सांस भी है, आखिरी बॉल तक लड़ना है. सो यही मेरा मैसेज था. हिडन सा सबको पता चल गया. खूबसूरत. बिल्कुल बिल्कुल. आपने बहुत अच्छी बात की. आप क्या कहना चाहेंगे? सबको मुझे बिल्कुल पसंद आया. मुझे तो बहुत ही पसंद आया, दिल को लगा साथ में. और उसने अपनी हार भी जस्टिफाई कर लिया बीच में, ये भी बड़ा अच्छा एक माला है. नजर आ गया मुझे. मेरा यार कहना सिर्फ ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो हमें सुन भी रहे हैं, जो सुनते भी हैं और जो देखते हैं, और स्पेशली हमारे लिए टिकट्स लेके या दूसरे दूसरे शहरों से, दूसरी कंट्री से आते हैं, उन सबको ढेर सारा और इसी तरह प्यार करते रहे. आप लोगों की वजह से ही हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं. आई नेवर थॉट कि मैं नीलम मुनीर बिलाल सईद के साथ बैठूंगी और पबजी के साथ काम करूंगी. सो जितना भी हम लोग जितना भी सब कुछ करते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव.
और इसी तरह प्यार करते रहें, इसी तरह सुनते रहें और इसी तरह पबजी खेलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए, टाइम निकाला। आपके फैंस ऑब्वियसली बहुत एंटरटेन होंगे इसको देखकर, इंक्लूडिंग अस। और आज हम ज्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हैं क्योंकि पबजी मोबाइल की फोर्थ एनिवर्सरी भी है और ये भी हमें बहुत अच्छा लगा साथ गेम खेल के और सेलिब्रेट कर। चले एक दफा जाते जाते विश कर दीजिए पबजी मोबाइल का। Okay, so we wish PUBG fourth anniversary. इतने भी लोग जो PUBG खेलते हैं, it's time to celebrate, enjoy करें। Yeah, fourth anniversary है, जबरदस्त किसके games खेल रहे हैं और enjoy करें। Enjoy करें। बिल्कुल, thank you so much, thank you so much, Biraj, Aima and Neelam. We wish you best of luck. Thank you very much. Thank you, PUBG Mobile. Thank you, everyone. आप भी बहुत जबरदस्त होस्ट थे, बहुत मजा आप लोगों के साथ। Bye Biraj, bye Neelam, bye bye Biraj, bye Aima. Aima, call me. बात करते। Yes, I'm texting you. Sari का plan. Sari का plan करते हैं। बस Sari, आ जाओ फिर। यार आ जाओ। Done, 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 done. पराठे बनाऊँ मैं आ रहा हूँ। मैं बस बाकी पराठे बनाऊँगी। उस तरफ हम भी अपनी सहरी प्लान कर लेते हैं इससे पहले कि मुझे मजीद भूख लगे और मैं हेडफोन खा जाऊं बस की तरफ चलते हैं बिकॉज अभी शुगर तो बहुत हो गया। अभी हमने जाना है सीरियस मैचेस की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज बाकी है, एक चीज बाकी है और वो ये है कि लीडर बोर्ड जो शो मैचेस हम लोगों ने विटनेस की उनका एक दफा लीडर बोर्ड देख लेते हैं कि क्या स्टैंडिंग्स रही। तो टीम नीलम विद 11, कोई कंपटीशन नहीं है भाई, कोई कंपटीशन छोड़ा ही नहीं उन्होंने। और जहां पर हमें लग रहा था कि बिलाल सेकंड आ जाएंगे, लेकिन आयमा जो है वो सेकंड स्पॉट मेंटेन कर लेती है अपने लिए 4 पॉइंट्स के साथ। एंड बिलाल कोशिश करते हैं और कुछ पॉइंट्स लेकर भी जाते हैं इस आखिरी मैच से। लेकिन ये थे हमारे फन मैचेस गाइस, फन अब ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। लेकिन अभी जंग, असल जंग 1,74,00,000 रुपए की बाकी है। और इसी नोट के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को तंग करके हम लोग थोड़ी सी ब्रेक पर जाएंगे ताकि आप लोग सोचें ज़रूर के आने वाले वक्त के लिए ज़रूर सोचें। सो विल बी गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। विल बी कमिंग राइट बैक विद PMPL पाकिस्तान। Short shots to reach the biggest. Let the action begin.